जय हिंद दोस्तों। दोस्तों अभी जो हमारा चैप्टर फार्मूला वाला अभी कंप्लीट हुआ था, फार्मूला वाले चैप्टर कुछ चीजें और हैं जो हमारी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जहां से आपके एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ पे मैं जो चीजें आपको बता रहा हूँ, ये सारे चीजें आप नोट करते चलना। आपके पेपर जब भी देने जाएंगे ना, यहीं से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, क्योंकि वहां पे केवल सीधा सीधा फार्मूला आपसे नहीं पूछा जाता है। और फार्मूला में केवल क्या होता है, जैसे आयस्क के फार्मूले पूछे जाते हैं, या कुछ जो इम्पोर्टेंट फार्मूले हैं वो भी मैं आपको इस वीडियो में नोट करा दूंगा। तो जो क्लास में आज आपको ये पॉइंट नोट करा रहा हूँ, सारे आप इनके नोट्स बनाते चलना, ये सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके हो जाते हैं। यानी जो पूरी केमिस्ट्री होती है उसके जो फॉर्मूले बन सकते हैं वहां पे, और क्या क्या इंपॉर्टेंट है जो यहाँ से क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। तो यहाँ पे जो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ ये आप नोट करना, यही सारे क्वेश्चन आपके पेपर में वहां पूछे जाएंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग करते क्या है, जो हमारी मिश्र धातुएं होती है, कौन सी धातुएं होती है, जो हमारी मिश्र धातु होती है, जो हमारी होती कौन सी मिश्र धातु होती है, यहाँ से हमेशा क्वेश्चन बनता है। और मिश्र धातु से पूछा क्या जाता है, उनकी संरचना के बारे में पूछा जाता है। जो मिश्र धातुएं होती हैं उनकी संरचना के बारे में पूछा जाता है कि किसका कितना परसेंटेज वहां पे होता है। सीधा सीधा आपको बता देगा कि पीतल है, पीतल में कौन कौन से धातु हैं या अधातु हैं और उनका परसेंटेज क्या है। सीधा सीधा ऐसा क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा जाता है। तो यहाँ पे हम लोग सारे पॉइंट नोट कराएंगे, आप ये सारे नोट करते चलना। यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं संरचना, इधर लिख लेते हैं हम लोग संरचना, इधर हम लोग नोट करेंगे कौन से हमारे मिश्र धातुएं होती हैं, और इधर हम लोग क्या नोट करेंगे, उनकी संरचना क्या है, यानी उनका परसेंटेज यहाँ पे क्या है। तो यहाँ पे जो जो मैं पॉइंट आपको बताता चलो, आप कृपया करके इनके नोट्स जरूर बनाना। आप जब भी पेपर देंगे यहाँ से आपको बिल्कुल क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। तो दोस्तों सबसे पहले अगर हम मिश्र धातु की बात करते हैं, सबसे पहला मिश्र धातु आप नोट करिए पीतल, सबसे पहला मिश्र धातु नोट करिए पीतल। अब पीतल में ये बताइए किसका कितना परसेंटेज वहां पे होती है, यानी कि जो पीतल होती है उसकी संरचना क्या होती है। तो अगर हम पीतल की बात करें तो पीतल की संरचना क्या होती है, पीतल में क्या होता है, एक तो कॉपर पाया जाता है, पीतल में क्या होता है, एक कॉपर पाया जाता है, और कॉपर के बाद क्या होता है, इसमें जिंक पाया जाता है। कॉपर के बाद क्या पाया जाता है, जिंक इसमें आपका पाया जाता है, इन दोनों का ये मिश्रण होता है। और वहीं पे अगर हम ये बात करें कि कॉपर का परसेंटेज कितना होता है लगभग, तो जो कॉपर होता है, कॉपर का परसेंटेज कितना होता है, ये होता है 60% से लेके 80% तक इसमें आपका कॉपर यहाँ पे होता है। और दोस्तों जो ये परसेंटेज में दिखा रहा हूं ना, ये भी आपको क्लियर होने चाहिए, क्योंकि कभी कभी परसेंटेज ये पूछ लेता है, कभी कभी सीधा पूछेगा जो पीतल है इसकी संरचना क्या है। तो पीतल में क्या होता है, कॉपर और जिंक की ये संरचना ये हो जाती है। वहीं पे अगर हम जिंक की बात करते हैं, जिंक का परसेंटेज कितना होता है, तो इसका भी हो जाएगा 40% से लेके 40 से आपका ये 20% आपका हो जाएगा। तो ये संरचना किसकी हो जाएगी, ये तो आपकी हो जाएगी पीतल की संरचना। और इसके बाद एक और नोट करना, जो आपका इनवार होता है, एक क्या होता है इनवार, एक होता है इनवार होता है। अब इसकी संरचना हम लोग देख लेते हैं कि इनवार में किस किस की मतलब संरचना क्या हो जाएगी इनवार की। तो जो इनवार होता है इसमें तीन चीजें पाई जाती है, तीनों का नाम नोट करेंगे। एक तो आप नोट करिएगा लोहा, एक नाम नोट करिए आप लोहा, दूसरा नाम नोट करिए निकल, दूसरा नोट करिए आप इसका निकल, और तीसरा आप नोट करिए और जो बच जाता है वो क्या हो जाता है, शेष कार्बन हो जाता है। और जो बच जाता है वो क्या हो जाता है, शेष आपका यहाँ पे कार्बन यहाँ पे हो जाता है। और दोस्तों इसके अगर हम परसेंटेज की बात करें कि कितना परसेंटेज ये होता है, तो इनका परसेंटेज नोट करना, लोहा कितना परसेंटेज होता है, ये आपको होता है 63% होता है। निकल का परसेंटेज कितना होता है, 36% होता है। और जो इसके बाद जो बच जाता है आपका वो क्या हो जाता है, शेष आपका इसका कार्बन हो जाता है, लगभग लगभग 1% जो बचता है वो क्या हो जाता है, कार्बन आपका हो जाता है। लेकिन ये आपको क्लियर होना चाहिए इनकी संरचना क्या होती है, लोहा निकल शेष जो कार्बन बन के क्या बनाते हैं, ये इनवार वहां पे बनाते हैं। तो ये सारे पॉइंट नोट कर, आप एक हेडिंग डाले ना,
सबसे पहले एक हाइड्रेंट डाला मिश्रधात और उसके नीचे लिख लेना संरचना, उसके नीचे क्या लिख लेंगे हम लोग संरचना, और सारे आप ऐसे ही नोट करते चलिएगा। और इसके बाद हम लोग और देख लेते हैं जो हमारे इम्पोर्टेंट है। यहाँ से मैं जितने क्वेश्चन आपको नोट करा रहा हूँ आप नोट करते चलना, आपको जब भी पेपर होगा यहाँ से आपको बिल्कुल क्वेश्चन आपके पेपर में देखने को आपको मिल जाएंगे। और इसके बाद अगर हम बात करते हैं जो हमारा आता है स्टेनलेस स्टील, अगली मिश्र धातु क्या हो जाएगी हमारी, स्टेन क्या हो जाएगी, स्टेन क्या हो जाएगी अगली मिश्र धातु हमारी हो जाएगी स्टेनलेस, स्टेनलेस स्टील अगली धातु नोट करिएगा आप स्टेनलेस स्टील। अब इसकी अगर हम संरचना की बात करें कि इसकी जो स्टेनलेस स्टील होती है इसकी संरचना क्या क्या आपकी यहाँ पे होती है, तो स्टेनलेस स्टील में आपको टोटल पाए कितने जाते हैं, चार तत्व इसमें होते हैं। इन चारों के हम लोग यहाँ पे नाम नोट करेंगे और इसके बाद इनका क्या परसेंटेज है वो भी हम लोग यहाँ पे जानेंगे। तो सबसे पहले आप ये ना जान लीजिएगा इसमें क्या होता है लोहा, पहला तो आप ये नोट करिए इसमें क्या होता है लोहा होता है, और दूसरा क्या होता है क्रोमियम, और दूसरा क्या हो जाएगा वो हो जाएगा आपका क्रोमियम, दूसरा क्या हो जाएगा क्रोमियम हो जाएगा, और तीसरा क्या हो जाएगा वो हमारा निकल होगा, तीसरा क्या हो जाएगा निकल, तीसरा क्या हो जाएगा निकल हो जाएगा, और चौथा क्या हो जाएगा, और चौथा क्या हो जाता है, चौथा क्या होता है जो बच जाता है वो क्या हो जाता है आपका शेष कार्बन ही हमेशा इसमें बचता है, क्योंकि कार्बन क्या होता है लगभग लगभग सभी चीजों में आपका ये पाया जाता है। और इनकी अगर हम परसेंटेज की बात करें तो आपका ये लोहा होता है, लोहा का परसेंटेज कितना होता है 73% लोहा होता है, और क्रोमियम की अगर हम परसेंटेज की बात करते हैं ये आपका 18% होता है, निकल की परसेंटेज की बात करें ये आपका 8.1% होता है, और जो आपका ये शेष बच जाता है शेष क्या हो जाता है आपका यहाँ पे ये कार्बन आपका हो जाता है। तो जो स्टेनलेस स्टील होती है इसकी संरचना क्या होती है, इसमें लोहा होता है क्रोमियम होता है निकल होता है और शेष कार्बन होता है, और ये इनकी परसेंटेज आपकी वहां पे हो जाती है। तो ये भी सारे पॉइंट आपके यहाँ पे क्लियर होने चाहिए। और इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं जो अगली हमारी मिश्र धातु होती है, अगली मिश्र धातु हमारी क्या हो जाएगी वो आप नोट कर लेना यहाँ इसके बाद एल्को, अगला नोट करना क्या हो जाएगा एल्को, ये हमारी हो जाएगी अगली मिश्र धातु, यानी एल्को जो हमारा होती है अगली मिश्र धातु हमारी हो जाती है। और अगर हम लोग इसकी संरचना की बात करें संरचना क्या होती है दोस्तों ये इम्पोर्टेंट है, ये आप बिल्कुल नोट करते चलेगा। इसमें क्या होगा इसमें भी टोटल आपके चार चीजें पाई जाती है, उन चारों के हम नाम नोट यहाँ पे कर लेते हैं। तो पहला तो आप नोट करिए इसमें क्या होता है एल्यूमिनियम, पहला तो आप नोट करिए क्या होता है इसमें एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम पहला क्या नाम नोट करेंगे एल्यूमिनियम हम लोग नाम नोट करेंगे क्या होता है एल्यूमिनियम आपका होता है, एल्यूमिनियम बाद क्या होता है इसमें आपका लोहा होता है, इसमें क्या होता है लोहा होता है, और लोहे के बाद क्या होता है निकल, और लोहे के बाद क्या होता है निकल, और लोहे के बाद क्या होता है निकल होता है, और क्या होता है इसमें कोबाल्ट, और क्या होता है इसमें कोबाल्ट, और क्या हो जाएगा कोबाल्ट हमारा हो जाएगा। और इनकी परसेंटेज भी आपको लेकिन जो ये नाम मैं नोट करा रहा हूँ ना संरचना में सबसे पहले तो इनके नाम आपके क्लियर होने चाहिए, और उसके बाद अगर परसेंटेज अगर आप याद कर पाते हैं परसेंटेज भी एक बार जरूर देखिएगा कि इनका कितना परसेंटेज वहां पे होता है, लेकिन इनकी संरचना जो होती है इनके जो नाम होते हैं ये आपको बिल्कुल वहां पे क्लियर होने चाहिए। अब एल्यूमिनियम की अगर हम बात करते हैं अगर इसके हम परसेंटेज की बात करें इसका कितना परसेंटेज होता है ये आपका 20% या 20% हो जाता है, और जो आपका ये लोहा होता है ये आपका 50% होता है, और जो ये निकल होता है ये भी आपका 20% होता है, और इसके बाद जो कोबाल्ट होता है कोबाल्ट का परसेंटेज कितना होता है ये 10% होता है, कितना परसेंटेज होता है 10% कोबाल्ट भी आपका पाता है। यानी एल्को में क्या होता है एल्यूमिनियम होता है लोहा होता है निकल होता है कोबाल्ट होता है, तो ये सारे मान आपको इसके पता होने चाहिए। ये सारे मैं इंपोर्टेंट वही नोट करा रहा हूँ जो आपके पेपर में सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप ये सारे नोट जरूर करिएगा। और इसके बाद हम लोग देखते हैं जो हमारा अगला आता है मिश्र धातु, तो उसके बारे में भी हम लोग यहाँ पे नाम नोट कर लेते हैं। अगला हमारा क्या आ जाएगा उसका भी नाम नोट करना क्या होता है एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम और कांस, एल्यूमिनियम कांस नाम नोट कर लेना क्या हो जाएगा एल्यूमिनियम कांस हो जाता है।
और इसकी अगर हम लोग परसेंटेज की बात करते हैं या कौन कौन से अयस्क होते हैं, इसमें मेन आपके दो ही अयस्क होते हैं। एक तो आपका सीधा सीधा इसमें क्या होता है, एल्यूमिनियम ही होता है। एक क्या होता है, एल्यूमिनियम ही होता है, एल्यूमिनियम ही होता है हमारा। और इसके बाद एक और नाम नोट कर लेना, जो क्या होता है, कापर होता है। अगला क्या हो जाएगा, कापर इसमें होता है। अगर हम लोग परसेंटेज की बात करते हैं, कितना परसेंटेज होता है, जो एल्यूमिनियम का परसेंटेज इसमें कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 5% हो जाएगा। अब 5% ये हो गया, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 95% आपका ये हो जाएगा। तो ये हो जाता है इनकी संरचना क्या आपकी यहाँ पे हो जाती है। तो ये भी पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा। और इसके बाद हम लोग देखते हैं जो हमारा अगली मिश्र धातु आती है उसकी संरचना क्या है। तो अगला क्या आता है, जर्मन सिल्वर। अगला नाम नोट करना आप, क्या हो जाएगा, जर्मन सिल्वर। अगला नाम क्या हो जाएगा, जर्मन सिल्वर। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है, इसमें कई क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन तो यही पूछा जाता है कि कौन सा ऐसी मिश्र धातु है जिसमें सिल्वर नहीं पाया जाता है। दोस्तों अक्सर क्या होता है, बच्चों की ये कंफ्यूजन होती है कि इसमें तो सिल्वर नाम लगा हुआ है, तो जर्मन सिल्वर में सिल्वर तो पाया ही जाता है। लेकिन जो आपको ये जर्मन सिल्वर होता है, इसमें कभी भी आपका सिल्वर वहां पे नहीं पाया जाता है। अगर हम बात करते हैं कि इनकी संरचना क्या है, जो जर्मन सिल्वर है, तो जर्मन सिल्वर की संरचना क्या होता है, इसमें मेन आपके तीन तत्व पाए जाते हैं। उन तीनों के हम नाम नोट कर लेते हैं। एक क्या होता है आपका, इसमें होता है कापर। एक क्या पाया जाता है, एक तो हो जाएगा आपका कापर हो जाएगा, और दूसरा क्या हो जाएगा, कापर के बाद इसमें जिंक होता है। कापर के बाद क्या होता है, इसमें जिंक आपका हो जाता है, और जिंक के बाद क्या होता है, निकल। जिंक के बाद क्या हो जाएगा, निकल। ये तीन जो आपके होते हैं ये संरचना में आपके यहाँ पे पाए जाते हैं। अगर इनकी परसेंटेज की बात कर लें कि कितना परसेंटेज पाया जाता है, जो कापर होता है, तो कापर का परसेंटेज कितना होता है, ये हो जाता है 30% से लेके आपका 60% तो कापर होता है। और जिंक की बात करें तो जिंक का परसेंटेज क्या होता है, 25% से लेके आपका ये 35% तक होता है। और निकल की हम लोग अगर बात करते हैं, ये आपका हो जाता है 15% से लेके 35% तक आपके यहाँ पे निकल पाई जाती है। तो इसकी ये संरचना आप जरूर नोट कर ले। लेकिन जो ये नाम होते हैं ना, ये नाम आपके सभी के याद होने चाहिए, क्योंकि हमेशा आपके जो पेपर में एक क्वेश्चन यहाँ से बिल्कुल देखा जाता है मिश्र धातु के उनकी संरचना के बारे में। और इसके बाद जर्मन सिल्वर हो गया। जर्मन सिल्वर के बाद अगला हमारा क्या आ जाएगा, वो भी हम लोग नोट कर लेते हैं। तो जर्मन सिल्वर के बाद अगला क्या होता है, कांस। अगला क्या हो जाएगा हमारा, हो जाएगा कांस। अगला क्या हो जाएगा, कांस हो जाएगा। अब कांस की अगर हम लोग संरचना की बात करते हैं, तो कांस की संरचना क्या हो जाएगा, इसमें मेन आपके दो होते हैं। एक तो आपका हो जाता है कांस में कापर, एक क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा कापर। एक कापर हो जाएगा, और कापर के बाद एक क्या हो जाएगा, जिंक। कापर के बाद एक हो जाएगा जिंक। और परसेंटेज की बात करें, परसेंटेज इसकी जो कापर होता है, कापर कितना होता है, ये आपका 80% होता है। और जो जिंक होता है, जिंक का परसेंटेज क्या होता है, ये आपका 20% हो जाता है। तो ये भी आपको संरचना यहाँ की याद होनी चाहिए। और इसके बाद की कांस की बात की हम एक पॉइंट और नोट करते हैं, वो भी इम्पोर्टेंट आपका हो जाता है। जो आपका एक आता है गंध धातु, एक क्या होती है, जो गंध धातु होती है, ये इम्पोर्टेंट है, कई बार पेपर में आपके ये रिपीट भी हो चुका है। तो जो गंध धातु होती है, तो गंध धातु की संरचना क्या होती है, सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं। तो जो गंध धातु होती है, इसमें आपके लगभग तीन तत्व मेन होते हैं। एक क्या होता है, एक तो हमारा हो जाता है कापर। जो गंध धातु में क्या होता है, कापर आपका होता है, क्या हो जाएगा, कापर हो जाएगा। और कापर के बाद क्या होता है, इसमें टिन होता है। कापर के बाद एक इसमें टिन होता है, और टिन के बाद एक इसमें क्या होता है, जिंक। एक क्या हो जाएगा आपका, जिंक हो जाएगा। तो अगर हम कापर की परसेंटेज की बात करें कि कापर का कितना परसेंटेज होता है, या टिन का परसेंटेज, या जिंक का परसेंटेज, तो जो कापर होता है, कापर की परसेंटेज की अगर हम बात करें, तो ये आपका 88% होता है। अगर टिन का परसेंटेज की बात करें, ये आपका 10% होता है। और जिंक की परसेंटेज की बात करें, तो ये आपका 20% होता है। दोस्तों मैं केवल आपको वो चीजें बता सकता हूँ जो आपके पेपर में पूछी जानी है, लेकिन ये सारी चीजें आपको ही तैयार करनी होगी। लेकिन अगर आप अभी से इनका रिवीजन करते चलेंगे, तो अपने एग्जाम तक बड़ी आसानी से सारा कुछ क्लियर कर लेंगे। और जब भी आप पेपर देने जाएंगे, यहाँ से बिल्कुल क्वेश्चन आपको देखने मिलेंगे। ये सीधे सीधे वो क्वेश्चन करा रहा हूँ जो सीधे सीधे आपके एग्जाम में वहां पूछे जाने वाले हैं।
और इसके बाद तो ये हो गया हमारा गन धातु हो जाता। और गन धातु के बाद कुछ इंपॉर्टेंट और हैं चार पांच, उनको भी हम लोग नोट कर लेते हैं। और इसके बाद एक पॉइंट नोट करना जो आपका आता है, क्या नाम होता है, मैग्नीलियम, एक और नोट कर लेना, ये भी क्वेश्चन पेपर पूछा जाता है, क्या होता है मैग्नीलियम, ये भी इंपॉर्टेंट आपका हो जाता है। और इसकी अगर संरचना की बात करें, जो आपका ये मैग्नीलियम होता है इसकी संरचना क्या हो जाती है, संरचना इसकी नोट करना। मैग्नीलियम क्या होता है, एक इसमें एल्यूमिनियम होता है, एक क्या होता है इसमें आपका एल्यूमिनियम होता है, एक इसमें एल्यूमिनियम होता है, और दूसरा क्या होता है, दूसरा इसमें हो जाएगा आपका मैग्नीशियम, और दूसरा क्या हो जाएगा इसमें मैग्नीशियम। ये दो चीजें पाई जाती है। अगर परसेंटेज की बात करें तो हमारा जो एल्यूमिनियम होता है इसका एल्यूमिनियम का परसेंटेज कितना होता है, ये आपका 95% होता है। और मैग्नीशियम की अगर बात करें, ये आपका 5% आपका हो जाता है। कि अगर मैग्नीलियम के बारे में पूछा जाता है उसकी संरचना, ये दो उसमें संरचना इसकी ये यहाँ पे हो जाती है, ये इनका परसेंटेज भी आपका यहाँ पे हो जाता है। और मैग्नीलियम के बाद जो हमारी अगली मिश्र धातु आती है उसके बारे में भी हम लोग कुछ पॉइंट नोट कर लेते हैं। वो क्या आएगी आपकी टाका, एक क्या होती है टाका, ये भी इंपॉर्टेंट मोस्ट है, कई बार पेपर में आपके पूछा जा चुका है टाका के बारे में, कि इसकी जो संरचना होती है वो क्या होती है टाका की। तो जो टाका होती है इसकी संरचना भी आप नोट कर लेना। जो टाके में क्या होता है, मेन आपके चार चीजें पाई जाती है, इन चारों चीजों के हम लोग नाम नोट कर लेते हैं। एक पहला नाम नोट करिए टिन, पहला नाम तो आप नोट करिए क्या संरचना होगी, टिन हो जाएगी। और दूसरा नाम नोट करिए लेड, दूसरा नाम नोट करिए लेड। और लेड के बाद क्या हो जाएगा, टाका में मेन दो ही चीजें होती हैं, यही कर लीजिएगा, एक क्या होता है टिन होता है, एक क्या होता है लेड होता है। जो टाका होती है टाका में दो चीजें पाई जाती है, एक टिन रहता है एक लेड होता है। अगर हम इनकी परसेंटेज की बात करते हैं तो तुम्हारा टिन होता है, देख लेते हैं टिन का परसेंटेज, टिन होता है, टिन का परसेंटेज कितना होता है, तो टिन का परसेंटेज जो होता है ये आपका 50% से लेके 60% तो आपका टिन होता है। और जो लेड होता है, लेड का परसेंटेज बात करें तो ये भी आपका लगभग 50% से लेके 40% आपका क्या हो जाता है, इसमें लेड होता है। तो टाका में क्या पाया जाता है, एक टिन होता है एक लेड होता है, ये दो ही चीजें टाका में आपकी यहाँ पे पाई जाती है। और इसके बाद जो टाका के बाद एक नाम नोट करना, जो बेल धातु होती है, एक जो बेल धातु होती है, जो मंदिरों में घंटी लगती है, जो बेल धातु होती है, अब इसके बारे में बताइए इसकी संरचना क्या है बेल धातु की। तो बेल धातु की संरचना की बात करें तो बेल धातु में क्या होता है, दो चीजें इसमें भी पाई जाती है, इसमें भी एक तो आपका कापर हो जाएगा, एक तो ये कापर हो जाएगा। कापर के बाद एक नाम नोट करना टिन, एक नाम नोट कर लेना टिन। और कापर का परसेंटेज की बात करें, कापर का परसेंटेज आपका इसमें कितना हो जाता है, तो वो आपका होता है 88%। और जो टिन का परसेंटेज क्या होता है, ये आपका 12% आपका इसमें क्या हो जाता है, टिन यहाँ पे हो जाता है। और ये तो हमारे हो जाते हैं इंपॉर्टेंट, जो आपके एग्जाम में कई बार क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा चुके हैं। और दोस्तों एक और नोट कर लेना, एक इम्पोर्टेंट और आपका हो जाता है, यहाँ से भी क्वेश्चन आपका एक बार पूछा गया था, हम नहीं चाहते कि आपके एग्जाम में कोई क्वेश्चन जब भी पेपर पूछा जाए वो छूटे, तो एक और नोट कर लेना, वो क्या हो जाएगा ड्यूरालुमीन, वो क्या हो जाएगा हमारा ड्यूरालुमीन हो जाता है, क्या हो जाता है ड्यूरालुमीन हो जाता है। अगर इसकी हम संरचना की बात करें, इसकी संरचना क्या होती है, संरचना का नोट कर लेना क्या हो जाएगा, इसमें लगभग चार तत्व आपके इसमें पाए जाते हैं। एक तो पहला आप नोट करना क्या होता है एल्यूमिनियम, पहला क्या होता है हमारा एल्यूमिनियम हो जाता है। और दूसरा क्या हो जाएगा कापर इसमें होता है, दूसरा क्या होता है इसमें आपका कापर होता है। और तीसरा इसमें क्या हो जाता है, वो आपका मैग्नीज होता है, तीसरा क्या हो जाता है इसमें आपका मैग्नीज, तीसरा क्या हो जाता है वो हो जाएगा मैग्नीज हो जाएगा। और चौथा हमारा क्या हो जाता है, चौथा क्या होता है मैग्नीशियम, और चौथा क्या हो जाएगा मैग्नीशियम, चौथा क्या होता है मैग्नीशियम, चौथा क्या हो जाएगा हमारा मैग्नीशियम आपका यहाँ पे हो जाता है। अगर इनकी परसेंटेज की बात करें कितना परसेंटेज इनका पाया जाता है, तो इनका परसेंटेज कितना हो जाएगा,
जो एल्यूमिनियम होता है, एल्यूमिनियम का परसेंटेज कितना होता है एक ये बता दीजिए। एल्यूमिनियम का परसेंटेज कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 95% एल्यूमिनियम होता है। और कॉपर का परसेंटेज कितना होता है, 4% आपका कॉपर होता है। और मैग्नीज के परसेंटेज की बात करें तो 0.5% इसमें आपका मैग्नीज होता है। और मैग्नीशियम परसेंटेज की बात करें तो ये 0.5% इसमें आपका क्या हो जाता है, यहाँ पे आपका मैग्नीशियम आपका हो जाएगा। तो जो ड्यूरालुमीन होता है ये उसकी संरचना यहाँ पे हो जाती है, इसकी संरचना भी आप नोट कर लीजिएगा। और इसके बाद ड्यूरालुमीन के बाद लास्ट एक और बचता है जो आपका मिश्र धातु है, और जो इसके क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाते हैं। अगला एक नोट नाम और नोट करना, डच मेटल। एक नाम क्या हो जाएगा हमारा, डच मेटल। एक क्या हो जाएगा, डच मेटल हो जाएगा। और इसकी संरचना की बात करें तो इसकी संरचना क्या हो जाती है, इसमें तो एक आपका कॉपर होता है, एक जिंक आपका होता है। और इनकी अगर परसेंटेज की बात करें तो ये आपका 78% ये हो जाएगा, और जिंक का परसेंटेज की बात करें 22% आपका ये हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे जो मैंने आपको ये मिश्र धातुएं नोट कराई है ना, ये नोट कर लेना मिश्र धातु, यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और दोस्तों पेपर में क्या होता है, जो ये फार्मूला वाला हमारा होता है ना, फार्मूला सीधा सीधा आपके इम्पोर्टेंट वही पूछता जाता है जो आपके सिलेबस में है। जैसे इसके बाद जो फार्मूला बनता है कि जो अयस्क वाले होते हैं, तो हमें तो एक तो ये अयस्क का पता ही होना चाहिए, अयस्क से भी एक क्वेश्चन बनता है, और अयस्क के जो नाम होते हैं उनके फार्मूले से भी एक क्वेश्चन हमारा वहां पे बनता है। तो ये दोनों पॉइंट आपके नोट होने चाहिए। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, आपको अयस्क लिखाएंगे और उनके कौन कौन से अयस्क हैं और उनके जो फार्मूला क्या बन सकते हैं वो हम यहाँ पे नोट कराएंगे। तो इसके बाद आप वो भी पॉइंट यहाँ पे नोट करिएगा। अब इसके बाद कुछ हम लोग पॉइंट नोट कर लेते हैं जो हमारे अयस्क होते हैं, जहां से के पेपर में आपके कई बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो दोस्तों अगर हम लोग बात करते हैं स्टार्टिंग से, सबसे पहले हम क्या लिखाएंगे, धातु, यानी कि इधर क्या नाम रहेगा हमारा, एक आप कैसे बनाएंगे नोट्स, यहाँ पे आप लिखेंगे धातु, और धातु के बाद यहाँ पे लिखेंगे उनके अयस्क। पहले क्या हम लोग लिखेंगे धातु कि कौन कौन सी धातु हैं, यहाँ पे हम नाम नोट करिएगा धातु। और इसके बाद यहाँ पे एक पॉइंट नाम नोट करिएगा अयस्क, एक क्या हम लोग लिखेंगे इनके कौन कौन से अयस्क, ये आप लिखिएगा। यानी कि इधर तो हमारा लिखेंगे धातु, इधर लिखेंगे अयस्क, कौन कौन से अयस्क उनके होते हैं, एक करके हम लोग सारे डिस्कस करेंगे। और इनके मेन जो फार्मूला होते हैं, फार्मूला आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन यहाँ से कन्फर्म रहता है कि पूछा जाएगा आपका। तो सबसे पहले जब लोग नाम क्या लिखेंगे, धातु, उसके बाद उनके अयस्क, उनके अयस्क कौन कौन से अयस्क ये जानेंगे, और उन अयस्क के फार्मूला क्या है ये भी हम लोग यहाँ पे समझने वाले हैं। तो सबसे पहले एक धातु नोट करिए जो आपकी कौन सी होती है, सोडियम। एक सबसे पहले धातु नोट करिए सोडियम, पहली धातु हमारी क्या हो जाएगी, सोडियम हो जाती है। इसका प्रतीक क्या होता है, Na, ये इसका प्रतीक होता है। अब इसके जो आपके एग्जाम में कौन कौन से इसके अयस्क हैं और उनके फार्मूले क्या है ये हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला एक नाम नोट करना, चिली साल्ट पीटर। पहला क्या हम लोग नाम नोट करेंगे, चिली साल्ट पीटर, एक ये नाम नोट करिए चिली, इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपर में आपके ये पूछा जा चुका है। क्या हो जाएगा, चिली साल्ट पीटर, साल्ट पीटर, एक अयस्क ये होता है चिली साल्ट पीटर, एक हमारा ये हो गया। और इसके बाद इसमें दूसरा कौन सा हो जाएगा, वो आपका होता है ट्रोना। दूसरा क्या होता है, एक इसमें होता है ट्रोना, क्या हो जाएगा, ट्रोना हो जाएगा। और इसमें एक तीसरा भी नोट नाम नोट करना, वो क्या होता है, बोरेक्स, वो क्या होता है, बोरेक्स, बोरेक्स को और किस नाम से हम लोग जानते हैं, इसको आप सुहागा के नाम से जानते होंगे, बोरेक्स को सुहागा के नाम से ये आपका जाना जाता है। और चौथा एक नाम और नोट कर लेना, जो आपका साधारण नमक होता है, कौन सा, साधारण नमक, एक ये नाम नोट कर लीजिएगा साधारण नमक। ये क्या हो जाते हैं, इनके अयस्क हो जाते हैं। और अयस्क में भी इनके अब फार्मूले भी हमें पता होने चाहिए। एक तो ये भी पूछा जाता है कि इसके अयस्क क्या है, सीधा सीधा पूछा जाता है कि जो ये चिली साल्ट पीटर है ये किसका अयस्क है। तो चिली साल्ट पीटर किसका अयस्क हो जाएगा, हम लोग बताएंगे ये सोडियम का अयस्क हो जाता है। या फिर पूछा जाए कि जो साधारण नमक होता है ये किसका अयस्क यहाँ पे होता है, तो जो साधारण नमक होता है ये किसका अयस्क हो जाता है, ये आपका सोडियम का यहाँ पे अयस्क हो जाता है। या पूछा जाए ट्रोना, ऐसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। या फिर एक क्वेश्चन ऐसा बनता है, ये बताइए जो बोरेक्स है,
जो सुहागा है इसका फार्मूला क्या होगा, चार ऑप्शन हमारे वहां पे दिए जाएंगे, इसका फार्मूला भी आपको वहां पे पता होना चाहिए। तो इसके इम्पोर्टेंट जो भी क्वेश्चन हमारे बन सकते हैं सारे हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं जो चिली साल्ट हीटर होता है, तो चिली साल्ट हीटर का सबसे पहले ये बता दीजिए इसका फार्मूला क्या होता है। तो चिली साल्ट हीटर का फार्मूला क्या हो जाएगा, नोट करिएगा, NaNO3, क्या हो जाएगा NaNO3, ये हो जाएगा चिली साल्ट हीटर का फार्मूला। और जो ये ट्रोना होता है, ट्रोना का फार्मूला क्या होता है, थोड़ा बड़ा है लेकिन ध्यान से लिखिएगा, Na2CO3 × 2NaH और ब्रैकेट में लिख लीजिएगा CO3 × 3H2O। ये क्या हो जाता है, ट्रोना का आपका ये फार्मूला आपका यहाँ पे हो जाता है, यानी कि Na3CO3 × 2Na, और इधर क्या हो जाएगा NaH है ये, और ब्रैकेट में क्या हो जाएगा CO3 × 3H2O, ये इसका फार्मूला आपका हो जाता है। और इसके बाद जो बोरेक्स होता है, सुहागा होता है, इसका फार्मूला क्या होता है, इसका भी फार्मूला नोट करना, क्या हो जाएगा Na2B4O7, ये किसका हो जाता है, ये बोरेक्स यानी सुहागा का फार्मूला हो जाता है। और जो साधारण नमक होता है इसका लगभग सभी को नाम क्लियर होता है, इसका फार्मूला भी सभी को पता होता है, NaCl होता है। तो ये हो जाएगा सोडियम के, ये अयस्क होते हैं और ये अयस्क के फार्मूले हो जाएंगे, ये सारे आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके पेपर में दिखेंगे, आप बिल्कुल इनके नोट्स भी तैयार करते रहिएगा। और ये सोडियम हो गया हमारा। अब सोडियम के बाद के हम कुछ पॉइंट और नोट कर लेते हैं जो आपके इंपॉर्टेंट होते हैं, जो पेपर में आपके पूछे जा सकते हैं। तो सोडियम के बाद अगला नाम नोट करिएगा एल्यूमिनियम, अगला क्या हो जाएगा एल्यूमिनियम का, अगला क्या हो जाएगा हमारा एल्यूमिनियम, ये हो जाएगी धातु हो जाएगी। अब ये धातु के कौन कौन से अयस्क इंपॉर्टेंट जो हमारे पेपर में पूछे जा सकते हैं, तो एक तो इसका नाम नोट करना जो बॉक्साइट, एक नाम क्या हम लोग नाम नोट कर लेंगे जो बॉक्साइट होता है, एक क्या हो जाएगा बॉक्साइट, एक तो आप ये नाम नोट करिए बॉक्साइट, एक ये पहला हो गया। और दूसरा एक आप नाम नोट करिए जो होता है कोरंडम, एक नाम नोट कर लीजिए कोरंडम, और तीसरा आप एक नाम नोट करिए फेल्सर, क्या हो जाएगी फेल्सपर, और इसके बाद एक नाम नोट करिए क्रायोलाइट, एक क्या हो जाएगा क्रायोलाइट, एक क्या हो जाएगा क्रायोलाइट, एक क्या हो जाएगा क्रायोलाइट हो जाएगा, एक नाम नोट कर लिए क्रायोलाइट के बाद एलुनाइट, एक एलुनाइट के बाद एक और नाम नोट कर लेना, वो कौन सा होता है, वो आपका होता है कैलीन, यानी कि एक और नाम नोट कर लेना वो क्या होता है कैलीन, एक नाम नोट कर लेना कैलीन। ये तो हमारे हो जाते हैं अयस्क, जो आप किसके हो जाते हैं एल्यूमिनियम के, ये सारे अयस्क हो जाते हैं। अगर इनके फार्मूले भी पूछे जाते हैं, फार्मूले भी आपको इनके तैयार होने चाहिए। और जो बॉक्साइट होता है, तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि जो बॉक्साइट होता है, बॉक्साइट का आपका ये फार्मूला क्या हो जाएगा, तो बॉक्साइट का फार्मूला नोट करिएगा क्या होता है, ये हो जाएगा आपका Al2O3 × 2H2O, ये किसका हो जाएगा बॉक्साइट का, ये फार्मूला आपका हो जाता है। और जो ये कोरंडम दिया जा रहा है इसका फार्मूला क्या होता है, इसका भी नाम नोट करिएगा Al2O3, ये कोरंडम का फार्मूला हो जाएगा। और जो ये फेल्सपर दिया जा रहा है इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, इसका भी नाम नोट करिएगा के क्या हो जाएगा के, यानी के हो जाएगा फेल्सपर, के Al हो जाएगा और Si3O8, ये किसका हो जाएगा फेल्सपर का, यानी KAl Si3O8, ये हो जाएगा फेल्सपर का। और जो ये क्रायोलाइट दिया जा रहा है, ये क्रायोलाइट आपका मोस्ट इंपोर्टेंट होता है, यानी जो क्रायोलाइट है ये आपका इंपोर्टेंट, पेपर में कई बार क्वेश्चन बना है। बॉक्साइट है, ये पेपर में अभी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। और पहले क्रायोलाइट का लिख लेते हैं, क्रायोलाइट क्या हो जाएगा Na3
Na3AlF6, ये किसका हो जाएगा, क्रायोलाइट का ये फार्मूला आपका हो जाता है। अब इसके बाद जो एलुनाइड दिया जा रहा है, तो एलुनाइड का फार्मूला क्या हो जाएगा, अब ये भी हम लोग नोट कर लेते हैं। तो एलुनाइड क्या होता है, इसका नोट करिएगा क्या हो जाएगा, K2SO4 इंटू Al2 और ब्रेकेट में लिखिएगा SO4 का होल थ्राइस और यहाँ पे लिख लीजिएगा क्या हो जाएगा 4Al और OH का होल थ्राइस, ये किसका हो जाएगा, एलुनाइड का ये फार्मूला यहाँ पे हो जाता है। और इसके बाद एक जो हमारा बच रहा है कैलीन, एक क्या बच रहा है, कैलीन बच रहा है, इसका भी फार्मूला आप नोट कर लीजिएगा। इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3Al2O3 इंटू 6SiO2 इंटू 2H2O, ये किसका हो जाएगा, ये फार्मूला आपका हो जाएगा कैलीन का। तो सबसे पहले इनके आयस कौन कौन से ये हमें क्लियर होने चाहिए और इनके फार्मूले क्या है ये हमारे सारे क्लियर होने चाहिए, आप इनको भी नोट करते चलिएगा। और जो हमारा एल्यूमिनियम हो जाता है, एल्यूमिनियम के बाद अब हम लोग देखते हैं कि हमारा अगला फार्मूला क्या है, जो पहले हम जानेंगे इसके आयस क्या है, उसके बाद जानेंगे इनके फार्मूले क्या होते हैं। तो अगला नोट करिए पोटेशियम, अगली धातु क्या हो जाएगी, पोटेशियम। तो सबसे पहले ये हम जानते हैं पोटेशियम के अयस्क कौन कौन से होते हैं, तो पोटेशियम के अयस्क एक तो आप नाम नोट करिएगा नाइट्रेट, एक नाम नोट करिएगा नाइट्रेट और एक नाम नोट करिए कार्नेलाइट, एक नाम नोट करिए कार्नेलाइट। ये तो इसमें जो आपका ये कार्नेलाइट दिया जा रहा है ये आपका इम्पोर्टेंट ज्यादा हो जाता है, ये कार्नेलाइट आपके एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो अगर हम लोग नाइट्रेट के फार्मूले की बात करते हैं कि नाइट्रेट का फार्मूला क्या हो जाएगा, तो नाइट्रेट जो होता है इसका फार्मूला क्या होता है इसका लिखिएगा, और नाइट्रेट को एक नाम और हम लोग जानते हैं, किस नाम जानते हैं, साल्टपीटर, एक ये भी नाम नोट कर लेना, अगर आपसे साल्टपीटर भी पूछा जाता है कि साल्टपीटर का फार्मूला पूछ लीजिए, पूछे साल्टपीटर किसका अयस्क होता है तब भी हम लोग किसका बताएंगे, पोटेशियम को हो जाता है। और नाइट्रेट की अगर हम लोग फार्मूले की बात करें कि इसका फार्मूला क्या होता है, तो इसका नाइट्रेट पूछे या साल्टपीटर पूछे इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, KNO3, क्या हो जाएगा, KNO3, ये फार्मूला हो जाएगा। और कार्नेलाइट जो होता है ये आपका इंपॉर्टेंट होता है, यहां से कई बार आपके पेपर में क्वेश्चन बन चुका है, इसका फार्मूला क्या हो जाएगा नोट करिएगा, KCl इंटू MgCl2 पर 6H2O, ये किसका हो जाता है, कार्नेलाइट का ये आपका फार्मूला ये आपका हो जाता है। तो ये तो हो जाएगा पोटेशियम के अयस्क हो जाएंगे, और उनके जो अयस्क होते हैं उनके फार्मूले क्या होते हैं अयस्क के, वो हम लोग यहाँ पे जान लेते हैं। और इसके बाद यानी पोटेशियम के बाद कौन सी हमारी धातु है जिसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो पोटेशियम के बाद एक नोट करिएगा मैग्नीशियम, एक क्या हो जाएगा मैग्नीशियम, एक नाम नोट कर लेंगे मैग्नीशियम। अब हम लोग जानते हैं जो मैग्नीशियम है इसके कौन कौन से अयस्क होते हैं, तो जो आपके ये मैग्नीशियम होते हैं तो मैग्नीशियम के अयस्क सबसे पहले हम जान लेते हैं कौन कौन से होते हैं, एक तो आप नोट करिएगा मैग्नेसाइट, एक क्या हम लोग जानेंगे मैग्नेसाइट के बारे में जानेंगे, और मैग्नेसाइट के बाद हम लोग किसका जानेंगे, मैग्नेसाइट हो गया, उसके बाद जानेंगे डोलोमाइट, और इसके बाद हम लोग जानेंगे डोलोमाइट के बारे में। और डोलोमाइट के बाद एक और आपका आता है एप्सम साल्ट, एक क्या होता है एप्सम साल्ट हो जाता है। और एप्सम साल्ट के बाद क्या होता है, एक किसे राइट हो जाएगा। तो इनके अगर फार्मूले की बात करें, जो मैग्नेसाइट होता है मैग्नेसाइट का फार्मूला क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा MgCO3। दोस्तों ये क्वेश्चन, ये आपका जो लेक्चर चला थोड़ा बोरिंग लग रहा होगा लेकिन इसको आपको ही तैयार करने होंगे, क्योंकि हम केवल आपको ये बता सकते हैं क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाते हैं,
और कहाँ से पेपर आपके क्वेश्चन बन सकता है बस। लेकिन ये सारा कुछ आपको ही तैयार करना होगा अगर आप अपना एग्जाम वहां पे क्लियर करना चाहते हैं। तो यहाँ पे जो जो पॉइंट आपको बताते जा रहे हैं सारे पॉइंट आप नोट करते चलिएगा। और इसके बाद जो डोलोमाइट दिया जा रहा है, डोलोमाइट का अगर हम फार्मूला जानते हैं इसका फार्मूला क्या होगा, तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि डोलोमाइट का फार्मूला आपका कितना हो जाएगा। ये आपका होता है CaCO3 और Mg क्या हो जाएगा, MgCO3। ये किसका होता है, ये आपका डोलोमाइट का फार्मूला हो जाता है। और जो यहाँ पे एप्सम साल्ट दिया जा रहा है इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, इसका भी नाम नोट कर लेना, MgSO4 और MgSO4 into 7H2O। ये किसका हो जाएगा, एप्सम साल्ट का फार्मूला हो जाता है। और जो ये किसे राइट दिया जा रहा है इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, इसका भी नाम नोट कर लेना, MgS4 into H2O। ये किसका हो जाएगा, किसे राइट का फार्मूला हो जाता है। और यहाँ पे ये मैग्नेसाइड जो दिया गया ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और इसके बाद ये डोलामाइड दिया गया ये भी आपका इम्पोर्टेंट, ज्यादातर यहाँ से क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाते हैं। और इसके बाद हम लोग मैग्नीशियम के बाद जान लेते हैं कि हम किसके बारे में जानेंगे, मैग्नीशियम के बाद जानते हैं कौन सी धातु होती है और उसके कौन कौन से अयस्क होते हैं। मैग्नीशियम के बाद एक नाम नोट करना, तांबा। किसका नाम हम लोग जानेंगे, तांबा का, इम्पोर्टेंट है तांबा, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पेपर में यहाँ से क्वेश्चन आपके पूछा जाता है। तो सबसे पहले ये जानते हैं तांबा के अयस्क कौन से, फिर जानेंगे उनके फार्मूले क्या क्या बन सकते हैं आपके पेपर में। तो जो आपको ये तांबा होता है, तो तांबा के सबसे पहले क्या जानेंगे, इसके अयस्क। तो तांबा का अयस्क क्या होता है, तांबर को लिखते क्या है, कॉपर यानी Cu। अब इसके अयस्क क्या होता है, एक नाम नोट करना, क्यूप्राइट। एक क्या आपका होता है, क्यूप्राइट। क्यूप्राइट मोस्ट इंपोर्टेंट है कि पेपर में कई बार ये क्वेश्चन आपका रिपीट हो चुका है। तो क्यूप्राइट के बाद एक नाम बताइए, कॉपर ग्लांस। कॉपर ग्लांस, कॉपर ग्लांस एक ये जानिए। और इसके बाद कॉपर पाइराइट, एक नाम आप जानिए जो कॉपर पाइराइट होता है, कॉपर पाइराइट एक इसके बारे में हम लोग जानेंगे। अब इन तीनों के सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इन तीनों के फार्मूले क्या हैं जो पेपर में पूछे जाते हैं। इसमें तो ये आपके जो तीनों हैं, तीनों तीनों हमारे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि तीनों से हमारे पेपर में क्वेश्चन आपके बनते हैं। तो अगर हम क्यूप्राइट की बात करते हैं, तो जो क्यूप्राइट होता है, तो क्यूप्राइड का फार्मूला क्या हो जाएगा, इसका नोट करिएगा। क्या क्यूप्राइड का सबसे पहले जान लेते हैं फार्मूला क्या हो जाएगा। तो क्यूप्राइड का फार्मूला क्या होता है आपका, ये हो जाएगा आपका Cu2 और क्या हो जाएगा O। ये क्या हो जाएगा, क्यूप्राइड हो जाएगा। और जो कॉपर ग्लांस होता है, तो कॉपर ग्लांस का फार्मूला क्या हो जाएगा, Cu2। ये हो जाएगा कॉपर ग्लांस का। और जो कॉपर पाइराइड का फार्मूला हम जाने, तो CuFeH2। ये किसका फार्मूला हो जाता है, ये आपका कॉपर पाइराइड का फार्मूला हो जाता है। इसके ये तीनों आपके इंपॉर्टेंट होते हैं, तीनों से आपके पेपर में क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं। तो ये हो गया तांबा। तांबा के बाद ही हम लोग जानते हैं कौन सा हमारा इंपॉर्टेंट है जो पेपर में क्वेश्चन आपके बनते हैं। तो ये जो हमारा तांबा हो जाता है, इसके बाद एक नाम नोट करिएगा, चांदी। चांदी भी इंपॉर्टेंट है, चांदी से भी क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, यानी क्या हो जाएगा, सिल्वर। क्या हो जाएगा, सिल्वर हो जाएगा। चांदी से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जो चांदी होती है, चांदी के बारे में अगर हम लोग जानते हैं, तो चांदी के सबसे पहले बताइए इंपॉर्टेंट अयस्क कौन सा होता है। एक होता है अर्जेंटाइन, पहला तो आप यही नोट कर लेना क्या हो जाएगा, अर्जेंटाइट। अर्जेंटाइट एक तो ये आपको पता होना चाहिए, एक पता होना चाहिए हार्न सिल्वर। एक क्या पता होना चाहिए, हार्न सिल्वर। हार्न सिल्वर इन दोनों के बारे में आपको पता होना चाहिए। अगर हम अर्जेंटाइट की बात करते हैं कि अर्जेंटाइट का फार्मूला क्या होता है, तो अर्जेंटाइट का फार्मूला आपका क्या हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा Ag, नोट कर लेना क्या हो जाएगा, Ag2S। ये होता है अर्जेंटाइट का फार्मूला। और जो हार्न सिल्वर है, हार्न सिल्वर का फार्मूला क्या होता है, ये आपका हो जाएगा AgCl। ये हो जाएगा हार्न सिल्वर का फार्मूला हो जाएगा। दोस्तों ये सारे जो फार्मूले आपको तैयार वहां पे होने चाहिए। और इसके बाद चांदी की बात हम लोग जानते हैं, चांदी की बात कौन सा हमारा इंपॉर्टेंट होता है। इसके बाद नाम नोट करना, क्रोमियम। एक इंपॉर्टेंट और आपका होता है, कौन सा, क्रोमियम।
एक कौन सा इंपॉर्टेंट है, क्रोमियम इंपॉर्टेंट आपका हो जाता है। तो क्रोमियम के सबसे पहले जानते हैं, इसका मेन एक ही होता है जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन यहां से बनता है। तो क्रोमियम का एक अयस्क का नोट करना, क्या होता है क्रोमाइट, क्या होता है क्रोमाइट, क्या होता है क्रोमाइट होता है, यही इंपॉर्टेंट होता है जो पेपर में आपके पूछा जाता है क्रोमाइट के बारे में। तो इस क्रोमाइट का अगर हम फार्मूला जानते हैं, क्रोमाइट का फार्मूला क्या होता है, तो नाम नोट करिएगा FeO इंटू Cr2 और क्या Cr2 फिर O3। ये किसका होता है, क्रोमाइट का आपका फार्मूला हो जाता है। तो क्रोमियम के बाद जो हमारा अगला आता है उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि अगली धातु कौन सी आएगी और उसके कौन से अयस्क जो हमें पता होने चाहिए। तो क्रोमियम के बाद एक नाम नोट करिएगा बेरियम, एक हम लोग जानते हैं बेरियम के बारे में, किसके बारे में जानेंगे, अब हम लोग जानेंगे बेरियम के बारे में। तो बेरियम का भी एक अयस्क जो आपके पेपर में कई बार पूछा जाता है, और वो कौन सा हो जाता है बेरियम का, वो होता है बेराइट। वो कौन सा होता है, वो आपका होता है बेराइट, ये अयस्क होता है। दोस्तों पेपर सीधा क्वेश्चन पता कैसे पूछा जाएगा, ये पूछा जाएगा ये जो बेराइट होता है, बेराइट किसका अयस्क है, तो बेराइट हम लोग किसका अयस्क बताएंगे, ये आपका बेरियम का अयस्क हो जाएगा। अगर आपसे ये पूछा जाता है कि ये बताइए जो ये बेराइट दिया जा रहा है, बेराइट का फार्मूला क्या है, यानी बेराइट का रासायनिक सूत्र क्या है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। तो जो आपको ये बेराइट है, बेराइट का फार्मूला नोट कर लेना, बेराइट का फार्मूला क्या आपका होता है, ये आपका हो जाएगा BaSO4। ये किसका हो जाएगा, हमारा जो बेराइट होता है ये इसका फार्मूला हो जाएगा। और ये बेराइट किसका अयस्क है, बेरियम का ही अयस्क आपका यहाँ पे हो जाता है। और बेरियम के बाद हम लोग जानते हैं जो आपका पारा होता है, बेरियम के बाद किसका हम लोग जानेंगे, पारा इंपॉर्टेंट है, पारा कई बार पेपर में क्वेश्चन यहां से बनता है, जो पारा आपका होता है ये आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो पारा दिया जा रहा है। और पारा की अगर हम जाने कि इसका पारे का अयस्क कौन सा होता है, तो पारे का एक ही अयस्क होता है जो पेपर में कई बार क्वेश्चन आपके पूछा जाता है, और वो होता है कौन सा, सिनेबार। वो कौन सा होता है, वो हो जाता है सिनेबार। कौन सा होता है, सिनेबार होता है। और इसका फार्मूला क्या होता है सिनेबार का, ये हो जाएगा HGS, ये हो जाएगा इसका फार्मूला किसका, सिनेबार का। और पारा के बाद किसका आता है, एक नाम नोट करना, निकल का, एक हम लोग यहीं पे लिख लेते हैं निकल। एक कौन सी होती है, निकल होती है, एक कौन सी हो जाती है, निकल हो जाती है। और इसके अगर हम जानते सबसे पहले कि इसका ये बताइए निकल का कौन सा अयस्क है, तो निकल का अयस्क कौन सा हो जाता है जो पेपर में पूछा जाता है, वो होता है आपका मिले राइट। वो कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा मिले राइट। कौन सा हो जाएगा, मिले राइट हो जाएगा। और मिले राइट का अगर हम लोग जानते हैं फार्मूला क्या होता है मिले राइट का, ये आपका हो जाएगा NIS, ये आपका फार्मूला हो जाता है। ये सारे आपके यहाँ पे क्लियर होने चाहिए। और इसके बाद क्या आता है, एक टिन भी इंपॉर्टेंट होता है, टिन से भी आपके पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अगला क्या हो जाएगा, टिन। अगला क्या होता है, टिन होता है, संकेत क्या कैसे लिखते हैं, SN टिन का लिखा जाता है। तो टिन का फार्म वो सबसे पहले अयस्क क्या होता है, इसका अयस्क नॉब नोट कर लेना, कैसिटे राइट। क्या हो जाएगा आपका, कैसिटे राइट, ये तो हो जाता है इसका अयस्क। अब इसके हम फार्मूला जानते हैं, जो हमारा ये कैसिटे राइट है, कैसिटे राइट का फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला आप नोट करना, SNO2। ये क्या हो जाएगा, इसका फार्मूला आपका हो जाता है। तो यहाँ पे ये जो मैंने धातुएं लिखा है उनके अयस्क लिखा है और उनके क्या फार्मूले हैं, सारे आप नोट करना, आप जब भी पेपर देने जाएंगे आपके एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा। अब अगला धातु हम लोग नोट करते हैं, जो हमारा क्या हो जाएगा, लेड। अगला क्या हो जाएगा, लेड होगा, संकेत क्या होता है इसका, PB। अब ये बताइए लेड के कौन कौन से अयस्क आपके इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो इसका एक नाम नोट करना, क्या, गैलेना। एक नाम आप नोट करिएगा, गैलेना, एक नाम नोट करेंगे हम लोग गैलेना। और दूसरा आप एक नाम क्या हो जाएगा, गैलेना हो जाएगा, गैलेना ही इसका रासायनिक सूत्र, गैलेना का ही आपका पूछा जाता है। तो गैलेना का जो केमिकल यानी कि फार्मूला होता है वो क्या होता है, PbS होता है। क्या होता है, PbS आपका हो जाता है। और दोस्तों अगर इसके जो लेड होते हैं इसके अयस्क तो और होते हैं, इनके अयस्क केवल नाम पूछा जाता है, उनके फार्मूले वहां पे नहीं पूछे जाते हैं। तो एक इसमें क्या होता है आपका, होता है एंग्लेसाइट।
एक क्या हो जाएगा, एक आपका होता है इसमें एंग्लेसाइट, एक तो ये याद रखिएगा एंग्लेसाइट, लेकिन इसका फार्मूला नहीं पूछा जाता है। एक आप ये नाम नोट कर लेना क्या, पाइरोटाइट, पाइरोटाइट, पाइरोटाइट। इनसे क्या होता है, सीधा पूछा जाता है जो पाइरोटाइट होता है, ये पाइरोटाइट किसका अयस्क है, पाइरोटाइट किसका अयस्क होता है, पाइरोटाइट अयस्क किसका हो जाता है, ये लेड का आपके यहाँ पे अयस्क हो जाता है। और इसके बाद कुछ आपके इम्पोर्टेंट और हैं जो पेपर में कई बार आपके वहां पे आते हैं, अब हम लोग उनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट हमारा होता है वो आपका होता है लोहा, सबसे इम्पोर्टेंट हमारा क्या होता है, लोहा होता है, जिसका संकेत क्या होता है, Fe, ये इसका संकेत होता है। ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट इस वजह से हो जाता है क्योंकि पेपर में कई बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, यानी कि आप जब भी आर्मी का पेपर देने जाएंगे यहाँ से क्वेश्चन हमेशा आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो जो हमारा लोहा होता है, लोहा के अयस्क क्या क्या होते हैं, इसके कई सारे अयस्क होते हैं और कई सारे आपके इम्पोर्टेंट अयस्क भी वहां पे। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि इसके अयस्क कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला अयस्क जानिए हेमेटाइट, इम्पोर्टेंट है, पेपर में कई बार क्वेश्चन बन चुका है, क्या हो जाएगा हेमेटाइट, ये हो जाएगा हेमेटाइट। और दूसरा क्या हो जाएगा हमारा लिमोनाइट, दूसरा एक नाम नोट करिएगा लिमोनाइट, लिमोनाइट एक ये याद रखिएगा। लिमोनाइट के बाद एक आप याद रखिए मैग्नेटाइट, एक हम लोग याद करेंगे मैग्नेटाइट, एक याद रखिए मैग्नेटाइट, मैग्नेटाइट के बाद एक याद करिए सिडेराइट, एक याद करिए सिडेराइट। इनमें कौन से इंपॉर्टेंट वो भी मैं आपको बता दूंगा, लेकिन पता आपको सारे होने चाहिए, सिडेराइट। और एक आप नाम नोट करिए आयरन, आयरन पाइराइट, आयरन पायर, सीधे सीधे क्वेश्चन आपके यहां से पूछे जाएंगे। एक और आप नाम नोट कर लीजिएगा कापर, कापर पाइराइट, कापर पाइराइट। तो सबसे पहले आप इनके जो इनके फार्मूले भी आपके पूछे जाते हैं, इसमें आपके इंपॉर्टेंट कौन से हैं हम लोग ये बता देते हैं। सबसे पहले आपको इसमें जो आपका ये हेमेटाइट दिया गया मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मैग्नेटाइट इम्पोर्टेंट आपका, और इसके बाद जो आपका ये आयरन पाइराइट दिया गया, ये तीन आपके सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि पेपर में क्वेश्चन यहीं से आपके ज्यादा बार रिपीट हुआ है। लेकिन पता आपको ये सारे होने चाहिए कि कौन से अयस्क है और उन अयस्क के फार्मूले क्या है, ये भी आपको वहां पे पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं हेमेटाइट की। तो हेमेटाइट का ये फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला नोट करिएगा Fe2O3, ये इसका फार्मूला हो जाएगा। और जो लिमोनाइट होता है, लिमोनाइट होता है, इसका फार्मूला क्या हो जाएगा Fe2O3 into और ब्रेकेट में कर लेंगे 3H2O, ये हमारा लिमोनाइट का फार्मूला हो जाता है। और जो मैग्नेटाइट है इसका फार्मूला क्या होता है, इसका हो जाएगा Fe3O4, ये फार्मूला हो जाएगा। और सिडेराइट का फार्मूला क्या होता है, सिडेराइट का फार्मूला नोट करिएगा FeCO3। और आयरन पाइराइड, आयरन पाइराइड का फार्मूला क्या होता है आपका Fe H2। और कॉपर पाइराइड का फार्मूला क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका CuFeH2, ये कॉपर पाइराइड का फार्मूला हो जाएगा। तो इसके जो लोहा है इसके ये सारे अयस्क पता होने चाहिए और इनके फार्मूले क्या है, फार्मूले भी आपको सारे क्लियर होने चाहिए इसके। और इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट और है हमारे लोहा के बाद जो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जहां से पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है। और लोहा के बाद आप नोट करिएगा एक एंटीमनी, एक हम लोग जानेंगे किसके बारे में, एंटीमनी के बारे में जानेंगे, यहां से भी क्वेश्चन आपका पूछा जाता है एंटीमनी से। और इसका संकेत एंटीमनी का क्या होता है, वो आपका Sb इसका संकेत हो जाता है। और वहीं पे अगर इसके अयस्क की बात करें, इसका एक ही अयस्क आपका इंपॉर्टेंट होता है जो पेपर में पूछा जाता है, अब वो क्या होता है, स्टिबनाइट होता है, क्या हो जाता है, स्टिबनाइट, ये इसका इंपॉर्टेंट होता है। अब इसका फार्मूला की बात करें, फार्मूला क्या हो जाता है, ये हो जाएगा Sb2H3, यानी स्टिबनाइट इसका अयस्क होता है, फार्मूला क्या होता है Sb2H3, ये इसका आपका फार्मूला वहां पे हो जाता है।
और इसके बाद हम लोग अगर बात करते हैं, किसकी बात करें, ये जो हमारा अगला आयस्क आएगा उसकी भी बात हम लोग कर लेते हैं, वो कौन सा होता है, कैल्सियम। इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पेपर में कई बार क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। अगला क्या हम लोग जानेंगे कैल्सियम के बारे में, संकेत क्या होता है इसका, सी ए, ये संकेत यहाँ पे कैल्सियम का आपका हो जाता है। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन पता है मैं इस किस वजह से करा रहा हूँ, मैं इस वजह से ये सारे क्वेश्चन करा रहा हूँ ताकि ये क्वेश्चन स्टार्टिंग में भी आपके पास हो जाए और आप इनका बार बार जब रिविजन करते जाएंगे ना और जब पेपर देने जाएंगे बिल्कुल यहाँ से क्वेश्चन देखने मिलेंगे। बस जितने पॉइंट आपको नोट करा रहा हूँ सारे आप लिखते चलिएगा, आप पेपर देने जाएंगे यहाँ से आपको बिल्कुल क्वेश्चन आपके पेपर में देखने को मिलने वाले हैं। और जो हमारा कैल्शियम हो जाता है, और कैल्शियम के सबसे पहले हम लोग नाम कुछ फार्मूले लिखते हैं कि इसके कैल्शियम के अयस्क कौन कौन से हैं। तो पहला अयस्क नाम नोट करिएगा, पहला क्या हो जाएगा हमारा डोलोमाइट, डोलोमाइट पहला क्या नाम नोट करेंगे, डोलोमाइट। और डोलोमाइट के बाद एक नाम नोट करिए कैल्साइट, एक हम लोग नाम जानेंगे किसके बारे में, कैल्साइट के बारे में हम लोग यहाँ पे जानेंगे। कैल्साइट के बाद हम लोग किसका जानेंगे, जिप्सम के बारे में, किसके बारे में जानेंगे, जिप्सम, जिप्सम के बारे में जानेंगे। और जिप्सम के बाद हम लोग जानेंगे एक आपका होता है फ्लोर स्पार, ये भी इंपॉर्टेंट होता है, फ्लोर स्पार। वैसे ये आपके जो चार हैं इसमें अगर हम बात करें कि इम्पोर्टेंट किस कौन सा है, तो ये आपका इम्पोर्टेंट है, ये आपका इम्पोर्टेंट, ये आपका इम्पोर्टेंट है। इसका अगर आप एक अयस्क और नोट करना चाहें नोट कर, लेकिन इसका केमिकल जो फार्मूला होता है वो नहीं पूछा जाता, कभी कभी ये नाम ही आपका आ जाता है। एक नाम और नाम नोट कर लेना, एस्बेस्टोस। दोस्तों मैं बार बार कह रहा हूँ क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, क्वेश्चन सीधा सीधा पूछेगा, जिप्सम बताइए किसका अयस्क है, सीधा पूछेगा पेपर में जिप्सम किसका अयस्क है, तो आप क्या कहेंगे, जो जिप्सम होता है ये कैल्शियम का अयस्क, तो ऑप्शन जो हमारे चार दिए जाएंगे ना उसमें एक कैल्शियम आपका लिखा रहेगा वहां पे, तो जिप्सम किसका अयस्क हो जाएगा, जिप्सम हमारा कैल्शियम का अयस्क हो जाएगा। यह सीधा सीधा पूछेगा कि जिप्सम का रासायनिक सूत्र बताइए, और चार ऑप्शन हमारे नीचे दिए जाएंगे उसमें एक आपका जो मैं रासायनिक उसका लिखाऊंगा सूत्र वो अभी आपको पता होना चाहिए। सीधा सीधा ऐसे क्वेश्चन पूछे थे, और हमेशा पेपर देने जाएंगे ना क्वेश्चन यहाँ से आपको बिल्कुल नजर आ जाएंगे आपके पेपर में वहां पे। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं हमारा डोलोमाइट होता है, सबसे पहले हम किसकी बात कर लेते हैं, डोलोमाइट की। तो जो डोलोमाइट होता है, डोलोमाइट का आपका फार्मूला क्या होता है, सबसे पहले ये पता होना चाहिए। तो डोलोमाइट का फार्मूला नोट करिएगा क्या होता है, Ca(CO3)Mg(CO3)। ये किसका फार्मूला हो जाता है, ये आपका डोलोमाइट का ये फार्मूला वहां पे हो जाता है। और इसके बाद जो आता है कैल्साइट आता है, तो कैल्साइट का फार्मूला सभी को पता होगा, CaCO3। और जिप्सम मोस्ट इंपोर्टेंट, जिप्सम कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन ये रिपीट हो चुका है, तो जो जिप्सम होता है जिप्सम का फार्मूला क्या होता है नोट करिएगा, CaSO4 × 2H2O × 2H2O। ये जिप्सम का आपका फार्मूला हो जाता है। और इसके बाद हमारा आता है फ्लोर स्पार आता है, इसका फार्मूला क्या होता है, CaF2। ये तीन ये चार फार्मूले याद करना, यहीं से आपके पेपर में क्वेश्चन दिख जाएगा। और कैल्शियम बार कुछ हमारे इंपॉर्टेंट थोड़े बहुत और बचते हैं उनके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों ये आपको थोड़ा बोरिंग क्लास लग रही होगी, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैं सारे वही क्वेश्चन करा रहा हूँ सीधे सीधे, आप जब भी पेपर देने जाएं कि सीधे सीधे आपको क्वेश्चन वहां पूछे जाए। और अगला एक आप लिख लेना टंगस्टन, एक हम लोग जान लेते हैं टंगस्टन, इसका भी एक ही अयस्क होता है वो इंपॉर्टेंट आपको हो जाता है टंगस्टन का। तो इसके अयस्क का नाम हम लोग नोट करें क्या होता है, वो आपको होता है ओल्फ्रामाइट। क्या होता है नाम नोट कर लीजिए, क्या होता है ओल्फ्रामाइट होता है। और इसके अगर फार्मूले की बात करें, इसका फार्मूला आपका क्या होता है, वो आपका होता है WO4 आपका ये हो जाता है। ये इसका टंगस्टन का यही याद करिए, यही एक इंपॉर्टेंट हो जो पेपर में पूछा जाता है। और इसके हैं तो ऐसे कई सारे, लेकिन सारे आपके एग्जाम में नहीं पूछे गए अभी तक, तो ये एक याद रखिएगा इसका। और इसके बाद हम लोग एक अगला जान लेते हैं, टंगस्टन हो गया, टंगस्टन के बाद अगला हमारा कौन सा, किसके बारे में जान लेते हैं, जो हमारा जिंक होता है, जिंक के बारे में जान लेते हैं। जिंक से भी आपका इंपॉर्टेंट है, यहाँ तो भी आपके पेपर में क्वेश्चन बन चुके हैं जिंक से।
तो जिंक के सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि जिंक के कौन कौन से अयस्क होते हैं। इसके जो मेन आपके तीन अयस्क हैं जो आपके पेपर में कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। एक जिंक का ये नाम नोट करिएगा, जिंक ब्लेड। एक तो ये जानिए आप जिंक ब्लेड, एक तो आप इसका नाम जानिएगा जिंक ब्लेड का, और दूसरा आप जानिएगा जिंकाइड का, दूसरा जानिएगा जिंकाइड का, दूसरा हम लोग जानेंगे जिंकाइड का, और तीसरा आप किसका जानेंगे कैलेमाइन का, और तीसरा हम लोग किसका जानेंगे कैलेमाइन का। ये तीन आपको क्लियर होने चाहिए। तो जो आपका ये जिंक ब्लेड होता है, तो जिंक ब्लेड का अगर हम फार्मूला जानते हैं, जिंक ब्लेड का फार्मूला आपका क्या होता है, तो इसका क्या होगा, ये आपका होता है ZnS, ये फार्मूला होता है। और जिंकाइड का फार्मूला क्या होता है, ये आपका ZnO हो जाता है। और जो ये कैलेमाइन दिया जा रहा है इसका फार्मूला आपका क्या होता है ZnCO3। ये इनके तीनों के फार्मूले हो जाते हैं। ये आपके इसमें जो ये आपका जिंक ब्लेड है ये इंपॉर्टेंट होता है, और ये कैलेमाइन होता है ये आपका इंपॉर्टेंट है। यहाँ से एक पेपर में कई बार आपके रिपीट हुए हैं। और इसके बाद जो जिंक हो जाता है, जिंक के बाद एक नाम नोट करिएगा मैग्नीज का। जिंक हो गया, जिंक के बाद एक आप नाम नोट करिए मैग्नीज का, जल्दी जान लेते हैं। एक तो हम लोग किसके बारे में जानेंगे, अब हम लोग जानेंगे मैग्नीज के बारे में। अब हम लोग किसके बारे में जानेंगे, मैग्नीज के बारे में जानते हैं। तो मैग्नीज के बारे में केवल आपको दो ही अयस्क ज्यादा पेपर में पूछे जाते हैं, सबसे पहले उनके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो मैग्नीज का एक पहला कौन सा होता है, वो आपका होता है पायरोल्यूसाइड। पहला आप नोट करिएगा, पहला क्या हो जाएगा पायरोल्यूसाइड। एक तो ये आपको पता होना चाहिए पायरोल्यूसाइड होता है, और पायरोल्यूसाइड के बाद एक और आपको पता होना चाहिए, वो कौन सा होता है, वो आपका मैग्नेटाइड। एक क्या नाम नोट कर लेना, मैग्नाइट। एक नाम नोट कर लीजिएगा मैग्नाइट। ये दो आपको पता होने चाहिए, ये यही आपके एग्जाम में ज्यादातर पूछे गए हैं। तो अगर हम लोग फार्मूले की बात करें, जो हमारा पायरोल्यूसाइड होता है, पायरोल्यूसाइड का फार्मूला क्या हो जाता है, तो इसका क्या हो जाएगा आपका सिंपल सा MN, और क्या हो जाएगा MnO2 हो जाएगा। और जो ये मैग्नाइट दिया जा रहा है, मैग्नाइट का फार्मूला आपका क्या होता है, सिंपल सा MnMn2 हो जाएगा, और ये O3 हो जाएगा, इनटू हो जाएगा 2H2O। ये इसका आपका फार्मूला यहाँ पे हो जाता है। और मैग्नीज के बाद आपको एक और पता होना चाहिए, जो सोना होता है यानी जो गोल्ड होता है, कि गोल्ड का अयस्क क्या होता है। दोस्तों ये फार्मूले से हमेशा आपके एग्जाम में क्वेश्चन बना हुआ है, इसका क्या होता है, सोना होता है। सोना सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि जो सोना होता है इसका अयस्क कौन कौन सा होता है, और इसके जो अयस्क होते हैं उनके फार्मूले क्या होते हैं। तो जो हमारा सोना होता है इसके में भी आपके मेन दो ही होते हैं, जो आपके एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं, दो ही आपके इंपॉर्टेंट होते हैं जो पेपर में पूछे गए हैं। तो पहला क्या होता है हमारा सोने का कैल्वेराइट। पहला तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए, किसके बारे में, कैल्वे। एक तो कैल्वेराइट के बारे में आपको पता होना चाहिए, कैल्वेराइट के बारे में। और कैल्वेराइट के बाद आपको एक सिल्वेनाइट, एक और आता है आपका सिल्वेनाइट आता है, कौन सा होता है, एक होता है सिल्वेनाइट, एक क्या होता है सिल्वेनाइट, एक क्या होता है सिल्वेनाइट होता है। इन दोनों के फार्मूले भी आपको पता होना चाहिए। तो जो ये कैल्वेराइट दिया जा रहा है, तो कैल्वेराइट का फार्मूला क्या होता है, तो ये कैल्वेराइट का फार्मूला सिंपल सा आप याद रखिएगा, Au क्या होता है, Au और Te2, ये होता है इसका फार्मूला। और जो ये सिल्वेनाइट दिया जा रहा है, इसका फार्मूला आपका क्या होता है, ये आपका AgAu, और यहाँ क्या हो जाएगा Te, क्या हो जाएगा Te, ये इसका फार्मूला आपका हो जाता है, यानी सिल्वेनाइट का फार्मूला ये हो जाएगा। अगर आईएस को पूछता कि ये बताइए जो कैल्वेराइट होता है, कैल्वेराइट किसका अयस्क होता है, हम लोग बताएंगे कैल्वेराइट या सोने का अयस्क होता है। या पूछा जाए ये सिल्वेनाइट होता है या सिल्वेनाइट किसका अयस्क होता है, तो सिल्वेनाइट भी ये सोने का अयस्क हो जाता है, ये भी आपके यहाँ पे क्लियर होने चाहिए। और इसके बाद तीन और बच रहे हैं, उनके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, वो भी आपके इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। तो हमने सोना के बारे में जान लिया, और इसके बाद आप एक जानिए कैडमियम। एक क्या होता है कैडमियम, कैडमियम ये भी पेपर में आपके पूछा गया है। कैडमियम के बारे में जो आपके पेपर में दो बार पूछा गया है, इसका एस का एक नाम नोट करिएगा कैडमियम का। कैडमियम का जो एस का कौन सा जो पूछा गया, वो आपका था एक ग्रीनोकाइट। कौन सा पूछा गया था, ग्रीनोकाइट था, क्या पूछा गया था, ग्रीनोकाइट। ग्रीनोकाइट आपका पेपर में ये पूछा गया है। और इसका रासायनिक सूत्र का हम जानते हैं कि जो हमारा ये ग्रीनोकाइट होता है, ग्रीनोकाइट का रासायनिक सूत्र क्या होता है, ये आपका
सी डी एस हो जाता है। ये सिंपल सा बस आपको ये क्लियर होना चाहिए। और यहीं पे आप एक बिस्मत का भी लिख लीजिएगा, बिस्मत एक और जान लीजिए बिस्मत कि बिस्मत का एक आयस का हम लोग जान लेते हैं और इसके बाद उसका जो रासायनिक केमिकल फार्मूला है वो भी हम लोग जान लेते हैं। तो जो बिस्मत होता है तो बिस्मत का आयस का क्या होता है, एक नाम उसका नोट करिएगा, क्या होता है बिस्मथाइड, क्या होता है बिस्मथाइड हो जाता है। अब बिस्मथाइड होता है, अगर इसके बिस्मथाइड का अगर इसका फार्मूला पूछा जाए कि इसका फार्मूला क्या होता है, तो फार्मूला इसका कितना हो जाएगा, तो बिस्मथाइड होता है ये आपका हो जाता है Bi2H3 आपका ये हो जाता है। और दोस्तों दो इंपॉर्टेंट और हमारे बच जाते हैं, ये सारे आप नोट करते चलना भाई, आप पेपर देने जाएंगे यहाँ से आपको बिल्कुल क्वेश्चन देखने वाले हैं। और इसके बाद हम लोग कुछ और जान लेते हैं, दो तीन दो शायद और बच रहे हैं जो हमारे इंपॉर्टेंट है जो पेपर में पूछे जाते हैं। तो इसके बाद आप एक नाम नोट करिएगा यूरेनियम का, किसका हम लोग जान लेते हैं यूरेनियम के बारे में, किसके बारे में जान लेते हैं यूरेनियम के बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले ये बताइए यूरेनियम का आयस कौन कौन से हैं। तो यूरेनियम के भी आपके मेन दो आयस ज्यादा पेपर में आपके पूछे जाते हैं, तो वो कौन कौन से हम लोग जान लेते हैं। तो यूरेनियम का एक तो आपके पेपर पूछा जाता है जो कार्बोनेटाइट होता है, एक क्या पूछा जाता है कार्बोनेटाइट, एक तो ये कार्बोनेटाइट पूछा जाता है। और कार्बोनेटाइट के बाद एक और आता है जो पिच ब्लेंड होता है, एक और आता है पिच ब्लेंड, एक क्या होता है पिच ब्लेंड। लेकिन जो रासायनिक फार्मूला इसी का पूछा जाता है जो पिच ब्लेंड होता है, ये आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये आपके पेपर में कई बार पिच ब्लेंड के बारे में क्वेश्चन बन चुका है। तो जो पिच ब्लेंड होता है, पिच ब्लेंड का फार्मूला क्या होता है नोट कर लीजिएगा UO2, ये इसका आपका फार्मूला आपके यहाँ पे हो जाता है। अब एक और नाम नोट कर लेते हैं, बस एक ही इंपॉर्टेंट और है आपका जो पेपर में कई बार आपके यहाँ पूछा गया है उसका भी जान लेते हैं, वो क्या होता है कोबाल्ट के बारे में, किसके बारे में जान लेते हैं कोबाल्ट। अब हम लोग जान लेते हैं कोबाल्ट के बारे में, संकेत क्या होता है CO, ये इसका संकेत आपका कोबाल्ट का हो जाता है। और इसका आयस कौन सा जो पेपर में पूछा जाता है वो आपका होता है इसमें लाइट, इसका आयस क्या हो जाता है इसमें लाइट हो जाता है। अब इसका अगर हम इसमें लाइट का फार्मूला की बात करते हैं कि इसमें लाइट का फार्मूला आपका क्या हो जाता है, वो हो जाएगा CO A H2 क्या हो जाएगा COAS H2, ये आपका फार्मूला हो जाता है, क्या फार्मूला होता है COAS H2, ये आपका फार्मूला हो जाता है। दोस्तों यहाँ पे जो मैंने आपको धातु लिखा है और धातु के बाद उनके जो आयस लिखा है और आयस के बाद जो मैंने उनके फार्मूले नोट करा है, ये आप नोट करना, यहाँ से पेपर में आप जब भी देने जाएंगे क्वेश्चन यहाँ से आपको देखने मिल जाएंगे। और दोस्तों अगर हम लोग फार्मूला की बात कर रहे हैं तो कुछ फार्मूले और हम लोग डिस्कस कर लेते हैं जो पेपर में कई बार हमारे पूछे गए इंपॉर्टेंट फार्मूले, कुछ और आप सभी यहाँ पे नोट कर लीजिएगा जो पेपर में हमारे पूछे गए हैं। तो एक दोस्तों आप ये बताइए कि अगर आपसे कभी ये पूछा जाए कि ये बताइए जो नीली गैस होती है कौन सी गैस होती है, एक तो हमें ये बता दीजिए नीली गैस, एक तो ये पॉइंट बताइए नीली गैस लिख के आ जाए, या फिर अगर ये लिख के आ जाए जल गैस, या कभी लिख के आ जाए जल गैस, तो बताइए इसका फार्मूला क्या होगा। अगर लिख के आता नीली गैस या जल गैस तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, तो नीली गैस या जल गैस का फार्मूला क्या होता है, फार्मूला नोट कर लेना इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, हाँ फार्मूला नोट करिएगा क्या हो जाएगा CO+H2, ये इसका फार्मूला हो जाएगा। नीली गैस या जल गैस कभी पूछा जाएगा फार्मूला क्या हो जाएगा CO+H2 हो जाएगा। या फिर अगर आपसे कभी ये पूछा जाता है ये बताइए जो आपका स्टेनिक क्लोराइड होता है क्या पूछा जाता है, स्टेनिक क्लोराइड क्या पूछा जाए, स्टेनिक क्लोराइड पूछा जाए। या फिर आपसे ये पूछा जाए यह बताइए कि ये नाम से पूछ ले, एक ये हमारा हो गया अब ये हम सेकंड नोट कर लें, या फिर इसी का दूसरा नाम क्या होता है बटर ऑफ टिन नाम से अगर आपसे ये पूछ लिया जाए, अब ये बताइए इसका फार्मूला क्या होगा। अगर पूछे स्टेनिक क्लोराइड हो गया या बटर ऑफ टिन हो गया इसका फार्मूला बताइए क्या होगा, तो इसका फार्मूला कितना हो जाएगा, फार्मूला इसका नोट करिएगा
SnCl4 × 5H2O, ये इसका फार्मूला यहाँ पे हो जाता है। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए। और इसके बाद हम लोग जान लेते हैं कुछ और जो अपने इम्पोर्टेंट होते हैं। यहाँ मैं सारे वही इम्पोर्टेंट आपको नोट करा देता हूँ। अगर कभी आपसे ये पूछे, आप तो ये सोडियम क्लोराइड ज्यादातर सभी लोग जानते हैं, किसका नाम जानते हैं, सोडियम क्लोराइड का। सोडियम क्लोराइड का नाम तो लगभग लगभग सभी लोग जानते हैं कि इसका सोडियम क्या होता है, जो क्लोराइड। हाँ सही है, सोडियम क्लोराइड सभी लोग जानते हैं कि अगर आपसे पूछा जाए सोडियम क्लोराइड का फार्मूला बताइए, सभी लोग जान जाएंगे कि NaCl इसका फार्मूला होता है। लेकिन सोडियम क्लोराइड ये सीधा सीधा ना पूछ के कुछ अलग नामों से ये आपका पूछा जाता है। जैसे कि जो सोडियम क्लोराइड है इसको ये पूछ सकता है कि ये बताइए कि ब्राइन, ऐसे पूछेगा ये बताइए ब्राइन का फार्मूला क्या होता है। तो सोडियम क्लोराइड को ही ये ब्राइन भी बोला जाता है, यह ब्राइन नाम से पूछा जाएगा। या फिर आपका एक अगला नाम क्या दे सकता है, सामान्य नमक। सामान्य नमक नाम से भी ये आपका पूछा जा सकता है कि सामान्य नमक बताइए क्या होता है, सामान्य नमक से भी पूछा जाता है। और सामान्य नमक के बाद एक इसका और नाम होता है, वो क्या होता है, हेलाइट। अगर आपसे ये पूछा जाए कि ये बताइए हेलाइट का फार्मूला क्या हो जाएगा, या फिर आपसे एक अगला नाम और पूछ सकता है, ये बताइए रॉक साल्ट क्या होता है, रॉक साल्ट का फार्मूला बता दीजिए। या फिर आपसे पूछा जाए जो टेबल साल्ट होता है, एक अगला नाम क्या दे सकता है, टेबल साल्ट। यानी कि इनका सभी का फार्मूला आपका NaCle होता है, लेकिन ये इन नामों से पूछा जाता है क्योंकि ज्यादातर लोगों को पता रहता है सोडियम क्लोराइड सीधा सीधा बोल देते हैं NaCl इसका फार्मूला होता है। लेकिन अगर पूछे ब्राइन का फार्मूला बताओ, सामान्य नमक का बताओ, हाइलाइट का बताओ, या रॉक साल्ट या टेबल साल्ट, ये भी आपको इसके नाम क्लियर होने चाहिए। और इन सभी का फार्मूला आपका NaCl ही होता है, बस इसके नाम अलग अलग हैं, जो अलग अलग नाम करके आपके एग्जाम में क्वेश्चन आपका ये पूछा जाता है। और इसके बाद यानी कि सोडियम क्लोराइड हम लोगों ने जान लिया, और सोडियम क्लोराइड के बाद और आपका कौन सा इंपॉर्टेंट है। तो एक आपने सुना होगा जो नीला कशिश, एक क्या जाना होगा आपने, नीला कशिश, किस क्या जाने होंगे, नीला कशिश। तो नीला कशिश तो ज्यादातर बच्चे क्या रट्टा मार लेते हैं, सारे रटे रहते हैं, लेकिन नीला कशिश का एक अन्य नाम भी आपको पता होना चाहिए। इसको क्या बोलते हैं, कॉपर साल्ट, यानी कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट। यानी कि आपसे पूछे चाहे कॉपर सल्फेट पूछे चाहे नीला कशिश पूछे, आपका एक ही फार्मूला होता है। और वो फार्मूला क्या हो जाएगा, हमारा फार्मूला आप नोट करिएगा, फार्मूला क्या हो जाएगा, CuSO4 × 5H2O × 5H2O, ये आपका फार्मूला होता है। यानी नीला कशिश पूछे चाहे कॉपर सल्फेट पूछे, ये आपका उसका फार्मूला हो जाता है। और दोस्तों एक और लिख लीजिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट आपका हो जाता है। अगर आपसे कभी पूछा जाता है कास्टिक पोटास, किसका नाम पूछे, कास्टिक पोटास का बताइए फार्मूला क्या होता है। तो इसका एक अन्य नाम क्या लिख लेना, अन्य नाम नोट कर लेना, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, क्या होता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। और इसका फार्मूला क्या होता है, फार्मूला भी नोट कर लेना, KOH, ये इसका फार्मूला होता है। कास्टिक पोटास पूछे या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड पूछे, तो KOH ये इसका आपका फार्मूला भी वहां पे हो जाता है। और इसके बाद हम लोग जानते हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट और जो हमारे फार्मूले हैं जो पेपर में पूछे जा सकते हैं, उनके बारे में भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। और अगला कौन सा हो सकता है, हमारे पेपर में कई बार क्वेश्चन बना है कि अगर आपसे कभी ये पूछा जाता है
ये बताइए कैल्सीनाइट, हाँ ये भी इंपॉर्टेंट है आपका कि कभी आपसे पूछा जाए कैल्सीनाइट, क्या पूछा जाए कैल्सीनाइट, अगर आपसे कैल्सीनाइट कभी पूछा जाए कैल्सीनाइट। और इसका एक नाम और होता है, वो कौन सा होता है, पोटेशियम, पोटेशियम बाइकार्बोनेट, पोटेशियम बाई कार्बोनेट, पोटेशियम बाई कार्बोनेट, इस नाम से भी ये पूछा जाता है। यानी कि अगर आपसे पूछा जाए कैल्सीनाइट, क्या पूछे, या तो पूछेगा कैल्सीनाइट का फार्मूला बताइए, या पोटेशियम बाई कार्बोनेट का फार्मूला बताइए। तो इसका फार्मूला भी आपका क्या हो जाएगा, नोट करिएगा, KHCO3। यानी KHCO3 आपका इसका फार्मूला वहां पे हो जाता है। एक तो ये हमारा इम्पोर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम के लिए। और इसके बाद जो आपका एक आता है सिनेबार, इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछा पूछेगा, सीधा सीधा आपका देगा कि ये बताइए सिनेबार का फार्मूला क्या होता है। यानी कि सिनेबार का फार्मूला बताइए क्या होता है। तो सिनेबार का फार्मूला क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा क्या, HGS, फार्मूला क्या हो जाएगा, HGS, ये आपका फार्मूला हो जाएगा। और इसको बोलते हैं क्या है, इसको क्या बोला जाता है, इसको बोलते हैं मरक्यूरिक, क्या बोला जाता है, मरक्यूरिक, क्या बोलते हैं, मरक्यूरिक सल्फाइड, मरक्यूरिक सल्फाइड ये बोला जाता है। यानी HGS, या तो सिनेबार पूछे तो ये भी फार्मूला होगा, यह भी आपसे पूछा जाता है कि मर्क्यूरिक सल्फाइड का फार्मूला क्या होगा, ये हमारा फार्मूला आपका यहाँ पे हो जाता है, ये भी आप याद कर लीजिएगा। और इसके बाद हम लोग जानते हैं, कभी आपसे पूछा जाए कि क्विक लाइम, क्या पूछा जाए, अगर कभी भी आपसे पूछा जाए क्विक लाइम, क्या पूछा जाए, हमें ये बताइए क्विक लाइम का फार्मूला क्या होता है, क्विक लाइम का फार्मूला क्या होता है। तो इसका फार्मूला क्या होगा क्विक लाइम का, CaO, क्या होता है, CaO, ये होता है क्विक लाइम का फार्मूला हो जाता है। और इसको क्या बोलते हैं, यानी कि इसका क्या बोला जाता है, ये आपका बोला जाता है कैल्शियम ऑक्साइड, क्या बोलते हैं इसे, बोलते हैं हम लोग कैल्शियम ऑक्साइड, क्या बोलते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड ये आपका बोला जाता है, जो क्विक लाइम होता है, इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में पूछा जा चुका है। और इसके बाद हम लोग कुछ और जान लेते हैं जो हमारे एग्जाम में कई बार क्वेश्चन बन चुके हैं। क्विक लाइम हमारा क्लियर हो गया। क्विक लाइम के बाद एक आप नोट करिए जो पेपर में कई बार आपका पूछा जाता है, अगर कभी आपसे ये पूछा जाए, ये बताइए हमें चाइनीज व्हाइट पूछ ले, या फिर पूछे व्हाइट जिंक पूछ ले, या फिर आपको पूछे जिंक ऑक्साइड, क्या पूछे, अगर आपसे पूछता है ये बताइए जो जिंक ऑक्साइड होता है, क्या होता है, जो जिंक ऑक्साइड होता है, तो जिंक ऑक्साइड का फार्मूला बताइए क्या होता है, जिंक ऑक्साइड का फार्मूला क्या हो जाएगा, ZnO। और इसके नाम कई होते हैं जो जिंक ऑक्साइड है, जिंक ऑक्साइड के आपके कई सारे नाम है। तो जिंक ऑक्साइड को एक तो हम लोग किस नाम से जानते हैं, इसको आपको जाना जाता है, ये चाइनीज व्हाइट के नाम से जानते हैं, किस नाम से जानते हैं, चाइनीज व्हाइट के नाम से, या ये फिलासफर के नाम से जाना जाता है, या फिर ओल या एक व्हाइट जिंक के नाम से भी ये जाना जाता है, किस नाम से, व्हाइट जिंक के नाम से जानते हैं। और इसके ये कई सारे नाम होते हैं, लेकिन ज्यादातर जो एग्जाम में ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है कि जिंक ऑक्साइड का फार्मूला बताइए, तो क्या हो जाएगा, ZnO हमारा जिंक ऑक्साइड का ये आपका फार्मूला वहां पे हो जाता है। और इसके बाद हम लोग कुछ जान लेते हैं जो हमारे इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। एक तो आप ये बताइए कि अगर आपसे पूछा जाए कि मर्क्यूरिक क्लोराइड, क्या पूछा जाता है, मर्क्यूरिक, नाम नोट कर लीजिएगा, क्या होता है, मर्क्यूरिक क्लोराइड, क्लोराइड, ये बताइए मर्क्यूरिक जो क्लोराइड होता है, यानी कि मर्क्यूरिक क्लोराइड होता है, तो मर्क्यूरिक क्लोराइड का फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला क्या हो जाएगा,
HgCl2, क्या हो जाएगा HgCl2। या फिर अगर आपसे ये पूछा जाता है, अगला देखिए अगला क्या होता है, या आपसे ये पूछा जाए कि कैलेमाइन किसका फार्मूला, ये बताइए कैलेमाइन का फार्मूला क्या होता है, कैलेमाइन का फार्मूला पूछ ले। या फिर इसका एक अन्य नाम क्या होता है, जिंक कार्बोनेट, एक अगला नाम जान लेते हैं जिंक कार्बोनेट, अगला नाम जान लेते हैं जिंक कार्बोनेट। तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, इसका भी फार्मूला नोट करिए क्या हो जाएगा, ZnCO3, क्या हो जाएगा ZnCO3 आपका हो जाएगा इसका फार्मूला। ये सारे दोस्तों मैं वो फार्मूला लिखा रहा हूँ ना जो बार बार आपके एग्जाम में रिपीट होते हैं, तो ये सारे फार्मूले आपको बिल्कुल वहां पे क्लियर होने चाहिए। और इसके बाद हम लोग को यानी कैलामाइन जान गए, कैलामाइन के बाद और कौन से हमारे इंपॉर्टेंट है, आपसे अब कर कभी ये पूछा जाता है कास्टिक सोडा, अब ये बताइए जो कास्टिक सोडा होता है क्या होता है कास्टिक, अब इसके बाद बताइए जो कास्टिक सोडा होता है क्या होता है कास्टिक सोडा। अगर आपसे पूछे कास्टिक सोडा, ये कास्टिक सोडा नाम से पूछा जा सकता है, या फिर आपसे पूछे ये कास्टिक सोडा या फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड, या फिर कास्टिक सोडा पूछेगा, या फिर आपसे क्या पूछे किस नाम से पूछेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड नाम से पूछेगा, इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, तो इसका भी फार्मूला आप नोट कर लीजिए क्या होता है NaOH, क्या होता है NaOH, क्या होता है NaOH, ऐसे भी लिखा आ सकता है या पेपर में आप ये NaOH ऐसे सिंपल सिंपल ये लिखा आपका आ सकता है, दोनों आपके आ सकते हैं, कास्टिक सोडा पूछे या सोडियम हाइड्रोक्साइड पूछे, बात एक ही, यही आपको वहां पे केमिकल फार्मूला भी आपका ये हो जाता है। और इसके बाद एक दो तीन और हमारे इंपॉर्टेंट है जो पेपर में कई बार पूछे गए हैं, अगर आपसे पूछा जाता है क्रायोलाइट, इसका हम लोगों ने इसके पहले ही क्वेश्चन कर चुके हैं कि अगर आपसे पूछा जाए ये बताइए क्रायोलाइट का फार्मूला क्या है, किसका क्रायोलाइट का फार्मूला क्या है, तो क्रायोलाइट का फार्मूला कितना हो जाएगा, नोट करिए क्या हो जाएगा Na2, नहीं क्रायोलाइट क्या होता है Na3 और AlF6, Na3AlF6, ये आपका फार्मूला यहाँ पे हो जाएगा। दोस्तों मैं यहाँ पे वो सारे जो फार्मूले करा रहा हूँ आप अगर ये नोट करते चल रहे हैं और अपने एग्जाम तक इन्हें तैयार कर लेते हैं तो आप जब भी पेपर देने जाएंगे आपके एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से बिल्कुल देखने में मिलेंगे। एक और नाम बताइए कॉपर ग्लांस, ये भी मैंने आपको अभी इसके पहले क्ला दिया था, तो बताइए कॉपर ग्लांस का फार्मूला क्या होगा, कॉपर ग्लांस का फार्मूला आपका क्या होगा, तो कॉपर ग्लांस जो होता है तो कॉपर ग्लांस का फार्मूला क्या होता है Cu2S, ये किसका होता है कॉपर ग्लांस का फायरा हो जाता है। और इसको किस नाम से और जानते हैं, ये आपका कॉपर ग्लांस पूछा जा सकता है, या फिर अगर आपसे ये पूछे क्यूप्राइट, क्या पूछे क्यूप्राइट पूछे तब भी यही फार्मूला हो जाता है, या फिर आपसे पूछे क्यूप्रिक सल्फाइड, एक अन्य नाम क्या होता है इसका, अगर आपसे पूछे क्यूप्रिक सल्फाइड या कि किसी भी नाम से पूछे फार्मूला हमारा सेम यही आपका यहाँ पे हो जाता है। और इसके बाद एक और नोट कर लेते हैं जो हमारा इम्पोर्टेंट हो जाता है, और कौन सा इम्पोर्टेंट है हमारा, एक और आप बताइए कि अगर आपसे पूछा जाता है कि बताइए लेड कार्बोनेट, क्या पूछा जाए लेड कार्बोनेट, आप बताइए लेड कार्बोनेट का फार्मूला क्या होता है, तो लेड कार्बोनेट का फार्मूला क्या हो जाएगा, सीधे सीधे लिखिएगा, जो हमारा लेड कार्बोनेट होता है इसका फार्मूला कितना होता है, वो होता है PbCO3, क्या होता है PbCO3। और इसका एक अन्य नाम और होता है, ये लेड कार्बोनेट भी पूछ सकते हैं, यह भी आपसे पूछा जा सकता है सेरुसाइट, आपसे सेरुसाइट नाम से भी ये आपका पूछा जा सकता है।
ये पूछेगा लेड कार्बोनेट नाम से पूछ सकता है या सेरुसाइट के नाम से भी आपको ये पूछा जा सकता है। ये सारे आपके वहां पे क्लियर होने चाहिए। और इसके बाद कुछ नाम और हम लोग डिस्कस कर लेते हैं जो पेपर में पूछे गए। एक तो ये बताइए कि अगर आपसे कभी ये पूछा जाए कि फेरस सल्फेट, क्या पूछा जाए, फेरस सल्फेट पूछ ले, तो बताइए फेरस सल्फेट का जो केमिकल फार्मूला होता है वो कितना हो जाएगा। तो इसका कितना हो जाएगा, जो फेरस सल्फेट होता है ये आपका हो जाएगा Fe SO4 × 7H2O। और जो ये फेरस सल्फेट होता है इसके दो तीन नाम और होते हैं, उस नाम से भी ये आपका फार्मूला पूछा जाता है। एक तो ये हो गया फेरस सल्फेट, या फिर फेरस सल्फेट की जगह आपसे कभी फेरस सल्फेट नाम से भी ये पूछा जा सकता है, या फिर अगर आपसे पूछा जाता है कि ये बताइए फेरस सल्फेट ना नाम देके क्यूप्रस सल्फेट दे दे, क्या दे दे, क्यूप्रस सल्फेट, क्यूप्रस सल्फेट नाम से भी ये आपका पूछा जा सकता है आपके पेपर में। तो ये दोनों नाम याद होने चाहिए, एक तुम्हारा फेरस सल्फेट हो गया, एक क्यूप्रस सल्फेट हो गया, इन दोनों नाम से ये फार्मूला आपका पूछा जाता है। और इसके बाद एक नाम ये बताइए हमें कि जो पेपर में एक बार पूछा गया था पुल्स गोल्ड, एक नाम ये भी बताइए कि अगर आपसे पूछा जाए फूल्स गोल्ड किसे कहते हैं, बताइए जो फूल्स गोल्ड होता है इसका फार्मूला क्या होता है। तो जो ये फूल्स गोल्ड होता है इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा Fe H2, क्या हो जाएगा Fe H2, फूल्स गोल्ड का फार्मूला आपका हो जाएगा। इंपॉर्टेंट पेपर में कई बार ये आपका रिपीट हो चुका है। और जो ये Fe H2 हो इसको हम किस नाम क्या बोलते हैं, Fe H2 को हम लोग क्या बोलते हैं, आयरन पाइराइट, इसे आपका क्या बोला जाता है, ये आपका बोला जाता है आयरन पाइराइट्स, क्या बोलते हैं, आयरन पाइराइट्स भी आपका ये बोला जाता है। तो ये आपके क्लियर होने चाहिए, पेपर में आपके कई बार रिपीट भी हो चुके हैं। और कुछ और पॉइंट हम लोग डिस्कस कर लेते हैं जो पेपर में कई बार पूछे गए हैं। एक तो आपका आता है सोडियम थायोसल्फेट का, नाम नोट करिएगा क्या हो जाएगा, सोडियम थायोसल्फेट का ये बताइए कि इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है सोडियम थायोसल्फेट का। तो ये कितना आपका हो जाएगा, ये आपका होता है लिखिएगा Na2H2O3 × 5H2O, क्या हो जाएगा 5H2, ये सोडियम थायोसल्फेट का आपका रासायनिक सूत्र यहाँ पे हो जाता है। और इसके बाद एक एग्जाम में क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि अगर आपसे पूछा जाए कैल्शियम नाइट्रेट, ये भी इंपॉर्टेंट एक हो जाता है कि अगर आपसे पूछा जाए बताइए कैल्शियम नाइट्रेट, ये बताइए कैल्शियम नाइट्रेट होता है तो कैल्शियम नाइट्रेट का फार्मूला क्या होता है। तो कैल्शियम नाइट्रेट का फार्मूला क्या हो जाएगा, ये आपका CaNO3 का होल ट्वाइस कैल्शियम नाइट्रेट का ये आपका फार्मूला वहां पे हो जाता है। ये सारे आपके पॉइंट जो मैं यहाँ पे लिखा रहा हूँ सारे के सारे आपके ये क्लियर होने चाहिए। और इसके बाद अगर हम लोग जानते हैं कुछ इंपॉर्टेंट, और अगर कभी आपसे पूछा जाता है ये बताइए जो नाइटर केक होता है, एक क्या होता है नाइटर केक, ये भी कई बार पेपर में पूछा गया है, क्या पूछेगा आपसे, जो नाइटर केक होता है बताइए नाइटर केक का फार्मूला क्या होता है। और इसको जो नाइटर केक को अन्य किस नाम से जानते हैं, इसे जाना जाता है सोडियम बाइसल्फाइड, किस नाम से ये जाना जाता है, ये आपका जाना जाता है सोडियम बाइसल्फाइड के नाम से ये आपका जाना जाता है। तो नाइटर केक का फार्मूला क्या हो जाएगा, तो नाइटर केक का फार्मूला लिखिएगा क्या होता है, NaHSO4, ये किसका फार्मूला हो जाता है, नाइटर केक या सोडियम बाइसल्फाइड का ये आपका फार्मूला हो जाता है।
और अगर कभी आपसे ये पूछा जाता जो क्वार्ट्स होता है, एक तो जो होता है क्या क्वार्ट्स, अगर पूछे क्वार्ट्स का बताइए फार्मूला क्या होता है और इसका अन्य नाम क्या होता है, अन्य नाम भी आप नोट कर लेना क्या होता है, पॉलीमर, एक अन्य नाम क्या होता है पॉलीमर ऑफ सिलिका। तो इसका बताइए केमिकल जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, वो इसका नोट कर लेना क्या हो जाएगा, SiO2। ये क्या हो जाएगा हमारा क्वार्ट्स पूछे या पॉलीमर ऑफ सिलिका पूछे, ये आपका फार्मूला वहां पे हो जाता है। तो ये भी आपके क्लियर होने चाहिए। इसके 3-4 और बच रहे हैं, बस आप वो भी नोट कर लीजिए, फिर हम लोग क्लास क्या करेंगे यहाँ से खत्म करेंगे। और कुछ पॉइंट इसके और बच रहे हैं, वो हम लोग अगली क्लास में वहां पे डिस्कस करेंगे। और इसके बाद केवल एक इम्पोर्टेंट और हमारा बचता है, उसको भी बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। वो क्या होता है, कभी अगर आपसे ये पूछा जाए अश्रु गैस, कभी आपसे ये पूछा जाए अश्रु गैस का फॉर्मूला बताइए क्या होता है, किसका अश्रु गैस पूछा जाए, या फिर अश्रु गैस ना देके आपको एक अन्य नाम दे सकता है टीयर गैस, ये बताइए जो टीयर गैस होती है, टीयर गैस का फॉर्मूला बताइए क्या होता है, या टीयर गैस ना देके एक नाम और आपसे पूछा जा सकता है नाइट्रोक्लोरोफॉर्म, एक नाम क्या पूछा जा सकता है, एक नाम पूछा जा सकता है नाइट्रोक्लोरोफॉर्म। अगर ये जो तीन नाम से ये आपका इसका केमिकल फार्मूला पूछा जाता है, या तो वो अश्रु गैस कहेगा या टीयर गैस कहेगा या आपको नाइट्रोक्लोरोफॉर्म कहेगा, इन्हीं तीन नाम से ये आपका पूछा जाता है। तो इसका सिंपल सा आंसर कितना हो जाएगा, वो हमारा हो जाएगा CCl3 NO2। ये इनका सिंपल सा आपका फार्मूला यहाँ पे हो जाता है। दोस्तों यहाँ पे मैंने जो जो पॉइंट आपको बताए, थोड़ा ये चैप्टर आपको थोड़ा हार्ड लग सकता है, लेकिन यहाँ से आपके दो क्वेश्चन भी क्लियर हो जाएंगे, इसीलिए मैंने इस चैप्टर को पहले करा दिया और जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट थे वो भी मैंने आपको डिस्कस करा दिए, ताकि आप अभी से इसका जब रिविजन बार बार करते रहेंगे तो आपके जो आने वाले चैप्टर हैं उसमें भी काफी आपको हेल्प मिलेगी और यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन भी आने कन्फर्म है। दोस्तों अभी तो ये इसका पार्ट वन है, इसका मैं एक पार्ट और कराऊंगा, उस पार्ट में मैं केवल आपको वन लाइन इंपॉर्टेंट वो क्वेश्चन कराऊंगा, सीधे सीधे आपके पेपर में पूछे जाते हैं, ताकि यहां से आपके दो क्वेश्चन 100% वहां पे कंफर्म हो जाएंगे जब आपके पेपर में जैसे क्वेश्चन पूछे जाने हैं। तो अगर आप ये सारे पॉइंट जो मैं आपके इन दोनों पार्टों में कराने वाला हूं, अगर दोनों क्लियर कर लेते हैं, दो क्वेश्चन यहीं से आपके क्लियर हो जाएंगे, लेकिन आप इनके नोट्स बना लीजिएगा और इनकी बार बार प्रैक्टिस भी करना आप स्टार्ट कर दीजिएगा। ओके दोस्तों, हम लोग मिलेंगे कल एक अगले पार्ट में, जहां पे इसके जो कुछ हमारे टाइप बच रहे हैं वो भी सारे हम लोग वहां पे डिस्कस कर लेंगे। ओके दोस्तों, हम लोग मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद।